और अच्छा, एक जहन में रखिएगा चीज बिफोर वी स्टार्ट कि हम लोग बहुत क्विकली जो है वो पढ़ेंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स है, बाद में जो है वो मेरे पास भी टाइम नहीं होगा, ये मसला है। कई बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड है, मैंने ये रखी है कि बस 3 4 लेक्चर्स में ये जो 3 हमने प्लान किए हैं कंप्लीटली, उसमें एक दफा कोर्स ओवर थ्रू हो जाए या जितने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ज्यादा 3 क्लासें कोई इनफ नहीं होती हैं चीजें करने के लिए। लेकिन इसका मकसद ये है कि कंप्लीटली उसमें ना एक क्रैश कोर्स एक तरह का मिल जाए, एक डिफरेंट शायद पर्सपेक्टिव मिल जाए कुछ। तो अपने जहन में एक चीज रखिएगा कि मैं क्विकली कॉन्सेप्ट और वो चीजें एक्सप्लेन करता जाऊंगा, स्लाइड्स पे जो है वो डिफरेंट कंटेंट वगैरह आएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें या कुछ भी, बाद में उसको आराम से नोट्स मेकिंग कर लीजिएगा, क्योंकि वो साथ साथ नहीं हो सकती। हम फोकस करेंगे उसको अंडरस्टैंड करने पे, और उसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स और वो सारा कुछ आप बाद में जो है वो अपने नोट्स में ले आइएगा, क्योंकि वो दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो सकती, ठीक है? और थोड़ी सी हमारी पेस ज्यादा होगी ताकि हम मैक्सिमम कंटेंट जो है वो कवर कर सकें। इस संडे को हमारी सिविल सर्विस एकेडमी स्टार्ट हो रही है, तो उस वजह से जो है ना मैंने ये रखे हैं, क्योंकि कई बच्चे कह रहे थे कि सर बस ये करा दें, उसके बाद पता नहीं है ना होंगे नहीं होंगे, क्योंकि हम बहुत बिजी होंगे। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा और नोट शोट्स आप बाद में ले लीजिएगा। जी मैं तो एक्साइटेड हूँ एकेडमी के लिए, और मैं सारा कुछ रैप अप करके जाना चाह रहा हूँ ताकि बाद में मैं फोकस उस पर कर सकूँ। थैंक यू एवरीवन। चलें, तो आप लोगों ने थोड़ा साथ साथ समझने की कोशिश करनी है, स्पीड से ओवरवेलम नहीं होना, और स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लें, बाद में उसको आप नोट्स क्लियर कर लीजिएगा। देखिए, पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज की। जेंडर स्टडीज जो है, एक मिनट मुझे दीजिएगा। जी, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज की। जेंडर स्टडीज क्या चीज है? सो व्हाट इज जेंडर स्टडीज, और ये थोड़ा सा हम देखते हैं। जेंडर स्टडीज इज अ फील्ड फॉर इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी डिवोटेड टू जेंडर आइडेंटिटी एंड जेंडर रिप्रेजेंटेशन एज सेंट्रल कैटेगरीज ऑफ एनालिसिस। लेकिन जेंडर स्टडीज जो है, जेंडर स्टडीज बेसिकली इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि जेंडर एनालिसिस करना माशरे का, कि डिफरेंट जो जेंडर्स हैं, जेंडर होता क्या है, डिफरेंट जेंडर्स क्या उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्या वो एक रोल प्ले करती हैं, और डिफरेंट जो आपकी एक सोशल रियलिटी है वो कैसे माशरे को डिफरेंट जेंडर्स में जो है वो डिवाइड करता है, उनके राइट्स के बारे में बात करता है, और एक ओवरऑल जो है ना इस पर्सपेक्टिव से मौशरे को बाइफरकेट करके देख। क्यों जरूरी है? बिकॉज आपके मौशरा जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके रखता है, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी जो हैं वो हमारे जेंडर्ड होते हैं। ठीक है जी, आवाज कट तो नहीं रही ना? आवाज आ रही है आप लोगों को? ब्रेक हो रही है? अच्छा, चलें अब शायद स्मूथ हो जाए। अच्छा चलें, तो देखिए क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, व्हाई इज जेंडर स्टडीज इंपॉर्टेंट,
Gender studies recognizes that we live in a gendered society where gender is socially constructed. Hence, it needs to be studied and understood. कि gender में आपके society का एक बहुत अहम role होता है कि gender क्या चीज है, उसको समझना, उसके साथ expectations, roles, हर चीज जो है वो attached है. Various aspects of life are gendered. The study of gendered nature of the physical and social world is an important part of gender study. जिंदगी के डिफरेंट एस्पेक्ट जो हैं वो जेंडर्ड हैं, औरतों मर्द, उनसे डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस, उनके डिफरेंट रोल्स, ये सारा कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए जेंडर स्टडीज बहुत जरूरी. जो कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं जेंडर स्टडीज के वो हम समझ लेते हैं ताकि हमें पता चले जेंडर स्टडीज क्या चीज है. एक कॉन्सेप्ट सेक्स वर्सेज जेंडर जो कि फाउंडेशन है जेंडर स्टडीज का. सेक्स वर्सेज जेंडर क्या होता है कि हम जनरली आदि हैं इस चीज को इस तरह सोचने में कि अगर कोई वुमेन है तो वो वुमेन बेसिकली उसकी जो ट्रेड्स हैं वो बायोलॉजिकल हैं, उसको जो है एक सर्टन तरीके से बिहेव करना चाहिए क्योंकि औरतें ऐसे होती हैं या मर्द ऐसे होते हैं. लेकिन जो बुनियादी चीज जेंडर स्टडीज की है वो है सेक्स वर्सेस जेंडर डिबेट कि सेक्स और जेंडर फर्क चीजें हैं. सेक्स बायोलॉजिकली होता है जो उस बंदे के साथ जो भी उसको जो एक बायोलॉजी मिल गई है नेचर की तरफ से, लेकिन जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है. तो बुनियादी जो पूरी कंसेप्चुअल फाउंडेशन है वो ये है कि जेंडर फर्क होता है, सेक्स फर्क होता है. ये सेक्स जेंडर डिवाइड कहलाता है और इसको समझे बगैर आप आगे नहीं जा सकते. बायोलॉजी ने आपके बता दिए कि इसके फिजिकल फीचर्स क्या हैं, लेकिन वो ये कहीं से नहीं बताता. औरतों की बायोलॉजी कहीं से ये नहीं बताती कि औरतों को जो है वो डॉल से खेलना चाहिए, डॉल से खेलना चाहिए या औरतों को किचन में रहना चाहिए. दैट इज सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर और जेंडर रोल है जो कि सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है. तो मे बी हम बायोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, वो एक स्टैटिक हो सकता है मे बी, लेकिन जेंडर इज एन इवॉल्विंग फिनोमिना और उसको समझना बहुत जरूरी है. इसलिए ये दो चीजें फर्क हैं, सेक्स और जेंडर. ये चीज आपने जहन में रखनी है, ये दोनों चीजें. और जेंडर स्टडीज जनरली इसको देखता है, तो इस एजम्पशन पे खड़ा हुआ है कि सारा जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है. और इसमें ये भी बड़ा जहन में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखिएगा नोन एज नेचर वर्सेज नर्चर. ये भी डिबेट होती है कि कई लोग कहेंगे कि नहीं, जो आपकी बायोलॉजी है वो ही हर चीज को डिटरमिन करती है. लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरा क्वेश्चन ये आता है नर्चर. नेचर वो है जो नेचर ने आपको दे दिया है और नर्चर वो है जो कि मौशरा आपको सिखा रहा है. तो जेंडर जो है वो नर्चर से निकलता है. जब लोग आपको सिखाते हैं, जब बच्चा छोटा होता है वहीं से उसको बता दिया जाता है आप लड़के हो आपने ये करना है, आप लड़की हो आपने ये करना है. तो और जेंडर स्टडीज के अभी हम इंट्रोडक्शन देखते हैं तो हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं. और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है जेंडर स्टडीज में, जेंडर सोशलाइजेशन. जेंडर सोशलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से उनको डिफरेंट जेंडर रिलेटेड रोल्स बता दिए जाते हैं. लड़का जो है वो रोता नहीं है, लड़कियां जो हैं वो किचन के काम करती हैं, वो सफाई करती हैं, लड़का बाहर खेलने जाता है, लड़की घर में रहती है. ये सोशलाइजेशन है जेंडर की. सोशलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिससे बच्चे या डिफरेंट सोसाइटी के लोग चीजें सीखते हैं, नॉर्म्स वैल्यूज एक सोसाइटी की सीखते हैं. जेंडर सोशलाइजेशन क्या चीज होती है कि जब आप एक सोसाइटी के जेंडर रिलेटेड नॉर्म्स वैल्यूज और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो इंटरनलाइज करते हैं, बचपन से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. दिस इज नोन एज जेंडर सोशलाइजेशन. जेंडर रोल क्या कॉन्सेप्ट होता है? जेंडर रोल से मुराद होता है कि ये जो आपसे एक रोल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपने करना है, जिस तरह के मर्द जो है वो स्ट्रांग होता है, मर्द जो है इमोशनलेस होता है या रोता नहीं है, ये एक जेंडर रोल है जो कि मर्द से एक्सपेक्ट किया जा रहा है. और ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मौशरे में वेरी करता है. और क्या कॉन्सेप्ट है? जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन होता है. जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन क्या चीज होती है? अभी मैं आपको बड़े बेसिक्स वो बता रहा हूँ, इससे परेशान नहीं होना जो नए लोग हैं, ये बस एक दफा सुन लें ताकि आगे जब हम बढ़े तो आपको कुछ चीजों की सेंस बने. और ये टर्मिनोलॉजीज को आपने मास्टर करना है कॉन्सेप्ट को ताकि आप जो है बेहतर तरीके से अपने पेपर में ऐड कर सकें. जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है? जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन का ये मतलब होता है, स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, आपने वर्ड सुना होगा स्ट्राटाज. स्ट्राटा होता है माशरे में डिफरेंट सेग्रीगेशन होती हैं, ए कैटेगरी ऑफ पीपल, बी कैटेगरी ऑफ पीपल, अपर क्लास, लोअर क्लास. जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन क्या है कि माशरा जेंडर में लोगों को डिवाइड करता है, ये मर्द है, ये औरत है, ये ट्रांसजेंडर है, ठीक है. ये जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन है जो आपका पूरी सोसाइटी है
उसमें डिफरेंट किस्म की जो कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं जेंडर की बुनियाद पे, वो जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। फिर एक कॉन्सेप्ट जिसको जेंडर स्टडी स्टडी करता है, दैट इज नोन एज पेट्रियार्की। पेट्रियार्की से मुराद क्या होता है कि एक सोशल सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसमें मेन जो हैं वो डोमिनेट करते हैं और मेल्स जो हैं वो एक पूरा मेल डोमिनेटेड कल्चर और सोसाइटी एग्जिस्ट करते हैं। पेट्री से मुराद होता है फादर और आर्की का मतलब होता है रूल, रूल बाय द फादर। इसको समझना कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मेल रन सोसाइटी, ठीक है, ऐसा सोशल सिस्टम जिसमें सारी पावर और प्रिविलेज जो है वो मर्दों के हाथ में, इसको पेट्रियार्की कहते हैं। ये जेंडर स्टडी स्टडी करता है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जेंडर स्टीरियोटाइप्स भी वही है जो एक जेंडर रोल है कि एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि यार ये तो ऐसे नहीं करता, लड़कियां तो ऐसे नहीं करती, लड़कियां तो इरेशनल होती हैं। ये जेंडर स्टीरियोटाइप है कि आपने एक स्टीरियोटाइपिकल सा बना लिया है कि ये तो ऐसे ही करता है। एक ओवर सिंपलिस्टिक किस्म की जनरलाइजेशंस हैं अबाउट डिफरेंट जेंडर्स कि मर्द ऐसे करते हैं, लड़कियां ऐसे करती हैं। उसमें फिर मेल स्टीरियोटाइप्स आ जाते हैं कि मेल कॉम्पिटेंट होते हैं, रैशनल होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। ये आपने सुनी होगी बात, ये मेल स्टीरियोटाइप हैं। फीमेल स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं कि एम्पैथेटिक होगी, सेंसिटिव होगी लड़की, पैसिव होगी, डिपेंडेंट होगी, इमोशनल होगी, ये फीमेल स्टीरियोटाइप्स हैं। तो ये भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये भी जेंडर स्टडीज जो है वो स्टडी है। फिर सेक्सिस्ट लैंग्वेज, सेक्सिस्ट लैंग्वेज क्या होती है कि आपकी लैंग्वेज के अंदर जो बायस नजर आता है, और जिस तरह ये एक स्टेटमेंट है ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, इसमें देखिए मेन यूज हो रहा है, ऑल ह्यूमंस नहीं यूज हो रहा। ज्यादातर लैंग्वेज में इस तरह से मेन को ही यूज किया जाता है और ह्यूमन वर्ड इटसेल्फ आपको थोड़ा सा मेल फील्ड में नजर आता है या मैन हैज डन दिस लिटरेचर में नजर आता है, तो वो एक आपको सेक्सिस्ट लैंग्वेज ही नजर आती है। तो जेंडर स्टडीज ये भी स्टडी करता है कि आपकी एक तो आपकी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, उसमें मौशरे ने किस तरह औरतों और मर्दों को डिवाइड किया हुआ है, पावर और प्रिविलेजेस में क्या स्टीरियोटाइप्स हैं, इमेज एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट, और आपकी लैंग्वेज जो है वो कैसे जेंडर्ड है, आपकी लैंग्वेज के अंदर ये बाइसेस जो हैं वो एम्बेडेड हैं कि कौन डोमिनेट करेगा और कौन डोमिनेट नहीं करेगा। और कई कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि जेंडर स्टडीज में आ जाते हैं जो कि वो स्टडी करता है। फेमिनिज्म आता है। फेमिनिज्म क्या चीज है? फेमिनिज्म एक मूवमेंट का नाम है जो कि औरतों के हकूक के लिए लड़ने को कहते हैं, उसको फेमिनिज्म कहते हैं। एक पॉलिटिकल मूवमेंट के एंगल से जब अगर आप राइट्स की बात करें औरतों की, तो वो फेमिनिज्म होगा। मैस्कुलिनिटी स्टडी करता है जेंडर स्टडीज। मैस्कुलिनिटी क्या है? मैस्कुलिनिटी से मुराद होता है जेंडर रोल जो कि मर्दों से एसोसिएट किया जाता है, ठीक है। मैस्कुलिनिटी क्या है कि यार ये मर्दों के फीचर्स क्या होते हैं, मतलब जो जेंडर आप मर्द परसीव कर रहे हैं कि मेल है, उसके क्या एट्रीब्यूट हैं। जैसे हम कह रहे थे कि वो स्ट्रांग होता है, कॉम्पिटेंट होता है, वो मैस्कुलिनिटी। इसी तरह जो है फेमिनिटी है। फेमिनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? वो सादा बिहेवियर रोल्स जो कि औरतों लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है, ओके, ये स्टडी करते हैं। फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्टडी करते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है कि डिफरेंट जेंडर्स जो हैं वो एक दूसरे को किस तरह डील करते हैं इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। एक जेंडर है जो कि ज्यादा डोमिनेंट है, दूसरा जेंडर जो है वो इतना डोमिनेंट नहीं है, या जैसे अगर आप औरत हैं आपको जॉब नहीं मिलती, वो डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन योर जेंडर इज नोन एज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और फाइनली जेंडर इक्वालिटी इन वुमेन एम्पावरमेंट, ये भी इसमें आ जाता है। ये क्या है कि और जो जेंडर्स हैं उनको डिफरेंट किस तरह राइट्स मिल सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट कैसे होती है, तो हम कैसे एक माशरे में बेहतर तरीके से ये इक्वालिटी हासिल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट किस्म के एरियाज हैं, डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि जेंडर स्टडीज स्टडी करता है। जो पहली दफा आप में से देख रहे हैं इन्हीं टर्म्स, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स से जो है वो आपने अपना एनालिसिस करना है। फिर जेंडर डेवलपमेंट वाली चीजें आ जाएंगी। जेंडर डेवलपमेंट वो स्टडी करता है कि अगर डेवलपमेंट का एनालिसिस करें, जो गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज लेती है जेंडर के हालात बेहतर करने के लिए, वो ह्यूमन डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, उसमें जेंडर एनालिसिस करना कि उसका औरतों पे क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। एक आपने पॉलिसी ली है, उसका जेंडर डिफरेंट जेंडर्स पे क्या असर आ रहा है, वो ये स्टडी करता है। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये गवर्नेंस के साथ लिंक है कि जेंडर मेन स्ट्रीमिंग क्या है, जो भी आप गवर्नमेंट की पॉलिसी लें
जो भी आप लेजिस्लेशन ने उसमें जेंडर्स को मद्देनजर रखें, कि अगर आप एक पॉलिसी ले रहे हैं उसके जेंडर एनालिसिस होकर पता चले इसका औरतों पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसका जो है मर्दों पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये भी। फिर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि ये देखता है कि किस तरह से जो है वो एक डोमिनेंट एंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ रोमांटिक और सेक्सुअल अट्रैक्शन टू पर्संस ऑफ ऑपोजिट और जेंडर, कि ये क्या फिनोमिना, ये होता है नहीं होता, या ये भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। तो ये मैंने आपको क्विक ओवरव्यू दिया है कि किस किस किस्म की चीजें जो हैं वो हम इसमें पढ़ने होंगे, किस किस किस्म के कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपको भी नहीं भी समझ आता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत भी समझ आ जाए अभी के लिए तो वो बहुत है, जब कुछ ना कुछ चीजें आती जाएंगी तो वो आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली इनके मतलब क्या है। जी, कुछ क्लियर हुए हैं कॉन्सेप्ट्स, समझ आया बेसिक से? जो नए लोग हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको तो टर्म्स पता होंगी। इंट्रोडक्शन है, बेसिक है। जी, जरा क्विक वो दीजिएगा ताकि हम टाइम जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइज करना। ठीक है, तो ये हमने ओवरव्यू लिया है कि जेंडर स्टडीज क्या होता है, किस किस किस्म की चीजों को स्टडी करता है, और बेसिक एक हमने ना अपने लिए फ्रेमवर्क बनाया कि क्या होगा। इसमें अगला एक टॉपिक है हमारा ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट इन जेंडर स्टडीज। ये भी इंट्रोडक्शन में आ जाता है कि जेंडर स्टडीज की एक पूरी डिबेट है वो हम देखते हैं। डिबेट क्या है कि क्या जेंडर स्टडीज को वीमेन स्टडीज से सेपरेट कर देना चाहिए। दिस इज नोन एज ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन। ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम, इंटीग्रेशन का मतलब होता है साथ इंटीग्रेट करना। तो ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट क्या है कि जेंडर स्टडीज जो है वो वीमेन स्टडीज से फर्क होना चाहिए या एक होना चाहिए, एक अलग डिसिप्लिन होना चाहिए। ये एक बड़ी एकेडेमिक सी बहस है। जो कहते हैं कि जेंडर स्टडीज एक अलग सब्जेक्ट होना चाहिए उनके क्या आर्गुमेंट्स हैं प्रो ऑटोनॉमी, वो कहते हैं कि जेंडर स्टडीज और वीमेन स्टडीज अलहदा होना चाहिए। ठीक है, और उसकी वजह क्या है, अच्छा नहीं ये मैंने शायद रिवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं आपको वैसे आर्गुमेंट समझा देता हूँ, हेडिंग्स मैंने फर्क डाली हुई है। एक डिबेट ये कहती है कि जेंडर स्टडीज और वीमेन स्टडीज को अलग होना चाहिए। ठीक है, एक डिबेट ये कहती है कि इनको जो है एक ही एम्बिट में होना चाहिए। उसकी वजह क्या है, देखिए वीमेन स्टडीज जो है वो फोकस करती है सिर्फ वीमेन राइट्स और वीमेन के उस पे। ओके, और जो जेंडर स्टडीज है उसका एम्बिट जो है वो बहुत ज्यादा है। उसकी वजह क्या है, वो क्या कहती है, इट इज अ मोर अप्रोप्रिएट टाइटल एज इट ऑल्सो इंक्लूड्स गे लेस्बियन एंड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स। ठीक है, वो ये कहते हैं कि एक जेंडर स्टडीज एक ओवरऑल एम्बिट हो, उसी में वीमेन स्टडीज आ जाए, उसी में गे लेस्बियन और ट्रांसजेंडर वो सारा कुछ आ जाए, क्योंकि इसका एम्बिट बड़ा है। वीमेन स्टडीज का जो है वो एम्बिट छोटा है, तो वो इसका एक सबसेट होगा। ठीक है, लेकिन इसका मसला क्या है, इसका मसला क्या है कि जो ऑटोनॉमी को वो जो है सपोर्ट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये ठीक ही लिखी हुई हेडिंग्स, मैं आप समझ गया हूँ किस तरह से कनेक्शन है। जो वीमेन स्टडीज वाले हैं वो ये कहते हैं कि जेंडर स्टडीज को सेपरेट होना चाहिए। उसकी वजह क्या है, क्योंकि पहले वीमेन स्टडीज आया, वो हम आगे हिस्ट्री देखेंगे, पहले वीमेन स्टडीज आया उसके बाद जेंडर स्टडीज आया। ठीक है, तो अगर वीमेन स्टडीज पे जितना 20 30 40 सालों में काम हुआ है वो जो है अगर जेंडर स्टडीज हम मर्ज कर देंगे तो वो सारे का सारा काम यूजलेस हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसलिए उसको सेपरेट होना चाहिए, वीमेन स्टडीज सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि जो वीमेन स्टडीज वाले हैं वो समझते हैं कि जब जेंडर दूसरे आ जाएंगे, गे लेस्बियन ट्रांसजेंडर या मैस्कुलिन, इन चीजों के ऊपर बात होगी, तो उससे औरतों का जो काम है वो सफर करेगा। दैट इज वाई इट शुड बी केप्ट सेपरेट। लेकिन ये समझने के लिए एक दफा पहले हम इन दोनों का फर्क समझ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड वीमेन स्टडीज, कि जेंडर और वीमेन स्टडीज में फर्क क्या है, क्योंकि हमें जनरली हमें लगता है कि जैसे ये एक ही चीज होगी लेकिन ये डिफरेंट चीज है। सबसे पहले जो है वो वीमेन स्टडीज देखें। देखिए पहले जो आया वीमेन स्टडीज और औरतों के हकूक की बात हुई, औरतों के मसाइल को समझने की बात हुई, जो औरतों की पूरी मूवमेंट थी स्पेशली 60s 70s की, उनके राइट्स के लिए वीमेन स्टडीज की,
वहां से जो है ये एकेडमिक डिसिप्लिन है कि औरतों के मसलों को समझा जाए, एक फेमिनिस्ट स्कॉलरशिप से ही ये चीज निकली। जितनी फेमिनिस्ट औरतें थी, जो स्कॉलर्स थी, उन्होंने इस पर काम शुरू किया। उसमें डिफरेंट किस्म की चीजें हैं, वो आप डिटेल देख सकते हैं कि औरतों के मसाइल के ऊपर किन किन यूनिवर्सिटीज में काम शुरू हुआ, उसको स्टडी करना शुरू हुआ। वजूहात क्या थी वुमेन स्टडीज स्टार्ट होने की, जो वुमेन राइट्स मूवमेंट थी 60s 70s की, सेकेंड वेव फेमिनिज्म है इस टाइम पे, ये हम फेमिनिज्म पे देखेंगे। ये सारी चीजें हैं, कई स्कॉलर्स हैं जो इस पे काम करें। तो ये वुमेन स्टडीज टोटली फोकस्ड ऑन वुमेन। जब 60s 70s में फेमिनिज्म की वेव आएगी, तब जो फेमिनिज्म है उससे वुमेन स्टडीज जो है वो निकलेगा। वो क्या स्टडी करती है वुमेन स्टडीज, व्हाट इज फीमेल पर्सनैलिटी, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, औरतों के रोल पे, मॉशरे में औरतों का क्या रोल है, ठीक है, औरतों की क्या फेमिनिटी है, वो किस तरह कंस्ट्रक्ट होती है, उनके क्या मसाइल हैं एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, ठीक है, उससे रिलेटेड सर ये वुमेन स्टडीज। जेंडर स्टडीज इसके बाद इवॉल्व हुआ है, और जेंडर स्टडीज जो है उसने नए नए किस्म के भी जो है वो चीजें उसने बिल्ड वुमेन स्टडीज से स्टार्ट किया, और करते करते दूसरे जेंडर्स को भी उसने इनकॉर्पोरेट कर लिया। 1990s में चीज शुरू हुई जब क्वीर थ्योरी और नए नए किस्म के कॉन्सेप्ट जो हैं वो वुमेन स्टडीज के साथ डेवलप होना शुरू हुआ। तो जब क्वीर थ्योरी डेवलप होती है, गे लेस्बियन स्टडीज आना शुरू होती हैं, तब वुमेन स्टडीज जो हैं इसका जो एक एम्बिट है वो कम महसूस होना शुरू, क्योंकि औरतों का जो है वो एम्बिट छोटा है, हमें इससे बड़ा एम्बिट चाहिए। फिर मैस्कुलिन स्टडीज भी होना शुरू हो गया, जिस तरह के 1991 में मेंस स्टडीज एसोसिएशन आ गया, अब वो उसका एम्बिट बढ़ता जा रहा है, तो एक नया उसका स्कोप बन गया कि हम एक ओवरऑल जेंडर उसको नाम रखना चाहिए, ना कि उसको एक लिमिटेड सा वुमेन स्टडीज करें, ऑल्दो स्टार्ट वहीं से हो। तो क्या वजूहात है कि जेंडर स्टडीज बनता है वुमेन स्टडीज के बाद, एवोल्यूशन ऑफ मेन स्टडीज, अब मेन स्टडीज भी आ गया है, ठीक है, हालांकि पहले औरतों से शुरू हुआ था, थर्ड वेव फेमिनिज्म में ये सारा कुछ आ जाएगा, जिस तरह की क्वीर थ्योरी और इस किस्म की चीजें बिल्कुल ही जो एक डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट आना शुरू होंगे। फिर पोस्ट मॉडर्निज्म और इस किस्म की थिंकिंग जो है वो आना शुरू हो जाएगी, क्वीर थ्योरी का इम्पैक्ट होगा, एवोल्यूशन ऑफ गे लेस्बियन एंड ट्रांसजेंडर स्टडीज होगा। जब ये नए नए किस्म की स्टडीज आएंगी, तब एक प्रेशर होगा कि हमें इसको डिफरेंट तरीके से करना चाहिए। जेंडर स्टडीज क्या स्टडी करता है, क्वीर थ्योरी, विमेन स्टडीज, मेन स्टडीज, सेक्सुअलिटी, जेंडर स्टडीज में सारा कुछ आ जाता है। तो विमेन स्टडीज उसका एक छोटा सा एम्बिट है, उसके अंदर क्वीर थ्योरी, मेन स्टडीज, सेक्सुअलिटी, वो सारा कुछ उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि अब उसमें मेन स्टडीज भी आ जाता है, ठीक है। अब यहां से वो एक बहस शुरू होती है, जो हम पहले भी देख रहे थे कि इसका नाम क्या होना चाहिए, इसको नेमिंग डिबेट कहते हैं बिटवीन विमेन स्टडीज एंड जेंडर स्टडीज, क्या इसका नाम विमेन स्टडीज हो या जेंडर स्टडीज हो। जो हार्डकोर फेमिनिस्ट थी वो जेंडर स्टडीज एग्री नहीं करती, वो कहते हैं हमने औरतों के हकूक के लिए जो काम किया है, ठीक है, ये अगेंस्ट आर्गुमेंट्स देखे हैं, कहते हैं जो औरतों के हकूक के लिए काम हुआ है, जो विमेन स्टडीज पे काम हुआ है, वो डाइल्यूट हो जाएगा इससे, जब मेन स्टडीज भी आ गए तो वो तो बात ही खत्म हो गई कि औरतें मार्जिनलाइज्ड हैं, अगर अब मर्दों पे भी स्टडी होनी है, हर चीज पे होनी है, तो फिर ये मकसद ही क्या आ रहा है उस चीज का। इसलिए वो इस चीज के खिलाफ है, कहते हैं कि विमेन स्टडीज सेपरेट हो और जेंडर स्टडीज को एक अलग ही चीज बना दें, ठीक है, उसको इससे मिक्स ना करें। अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या है कि इसका नाम क्या होना चाहिए, वो कहते हैं दिस विल अंडर द पास्ट 40 इयर्स इन ब्रिंगिंग विमेन एंड विमेन स्टैंड पॉइंट टू द फोरफ्रंट इन रिसर्च एंड नॉलेज। तो इतना जब आप ओवरऑल उसको फिर एम्बिगुअस कर देंगे, उसका एम्बिट इतना बढ़ा देंगे, जेंडर कर देंगे, तो वो फिर सारा कुछ ही आ जाएगा, विमेन के मसले वही रहेंगे। लेकिन नाम चेंज करने पर क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, फॉर आर्ग्यूमेंट्स, it is more appropriate title as it also includes gay, lesbian and transgender individuals, ki zyada inclusive hai, zyada broad hai. To dekhiye iske differences kya hai women studies aur gender studies ke. Women studies second wave feminism se nikalta hai jab auraton pe kaam shuru hua, gender third wave baad mein aaya hai, ye purana hai, gender naya hai, ye study karta hai auraton ko, ये स्टडी करता है और मर्द हर तरह के जेंडर को, वो कहता है कि ये सारे जो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ये सिर्फ औरतों को स्टडी करता है, ये मेन, गे, लेस्बियन, इन सबको स्टडी करता है। इसका इस पे इन्फ्लुएंस मेजरली जो है वो फेमिनिस्ट थीरीज का है, इसमें ओवरऑल इसका एम्बिट जो है वो काफी ब्रॉड है, दूसरे सब्जेक्ट्स भी इसमें आ जाते हैं। ये इंटरडिसिप्लिनरी है लेकिन थोड़ा लिमिटेड है, ये इंटरडिसिप्लिनरी है इसका, क्योंकि एम्बिट काफी
जो है वो लार्ज है। तो ये बुनियादी हमने एक इंट्रोडक्शन दिया कि औरतों को पढ़ना विमेन स्टडीज और जेंडर स्टडीज में क्या बुनियादी फर्क है। जी, यहां तक समझ आया आप लोगों को? देखें, ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट को नेमिंग डिबेट के साथ लिंक करके देखें, ठीक है? ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट को नेमिंग डिबेट से ही लिंक करके देखें। विमेन स्टडीज कहते हैं कि ये ऑटोनॉमी हो इसकी, ठीक है, क्योंकि अगर इन दोनों को मर्ज कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो विमेन स्टडीज खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको ऑटोनॉमी ही दें, अलग चीज हो, विमेन स्टडीज अलहदा रहे, क्योंकि उसमें प्योर फेमिनिस्ट है। नाम नेमिंग डिबेट और ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन एक ही चीज है। थोड़ा सा ये देख लें कि स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान में जो है जेंडर स्टडीज का क्या स्टेटस है, क्या डिपार्टमेंट्स हैं, क्या इस पे काम हुआ है, उसको देख लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि पाकिस्तान में जेंडर स्टडीज इंपॉर्टेंट क्यों है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े मसाइल हैं। ये एक जेंडर एनालिसिस करता है पाकिस्तान की सोसाइटी का, सोशल इंस्टीट्यूशन का, जैसे कि पेट्रियार्की, पाकिस्तान में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है इसलिए जरूरी है पढ़ना, पाकिस्तान में जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन है इसलिए जरूरी है पढ़ना, पाकिस्तान की सोसाइटी की जेंडर एनालिसिस करता है, सोशल रोल्स पाकिस्तान में बहुत डिफाइंड है इसलिए जेंडर स्टडीज जरूरी है पढ़ना, औरतों के एक्शन, औरतों की एजेंसी, औरतें क्या कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसजेंडर्स क्या कर सकते हैं, मैस्कुलिनिटीज और फेमिनिटीज को समझना कि पाकिस्तान में आप मैस्कुलिनिटीज कैसे डिफाइन करते हैं, फेमिनिटीज को कैसे डिफाइन करते हैं, इसलिए भी जरूरी है। क्वेश्चन आ सकता है कि वाई इज जेंडर स्टडीज इंपॉर्टेंट इन पाकिस्तान, या उसको क्यों पढ़ना जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है पाकिस्तान में जेंडर स्टडीज पढ़ना कि पाकिस्तान में जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं जैसे कि ट्रांसजेंडर्स, वेमेन, इनको एम्पावर करना। अगर हम पढ़ेंगे तो इनको एम्पावर कर सकते, जब हम समझेंगे तो एम्पावर कर सकते, और फिर औरतों को बेहतर तरीके से सपोर्ट करना फॉर इफेक्टिव विमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जब आप जेंडर एनालिसिस करेंगे तो आप मसाइल का हल भी निकालेंगे। जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर है कि जिस तरह औरतों से कुछ काम कराए जाते हैं मर्दों से कुछ किए जाते हैं, फिर डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव हैं विड वैड गैड, ये आप समझें ताकि औरतों के लिए जो है वो उनकी डेवलपमेंट पे काम हो सके, औरतों की हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे काम हो सके। तो ये सारी चीजों के लिए जरूरी है कि एक जेंडर्ड एनालिसिस होना चाहिए। फिर जेंडर बेस्ड वायलेंस को स्टडी करना। पाकिस्तान में जेंडर बेस्ड वायलेंस बहुत ज्यादा है, एसिड विक्टिम्स, ऑनर किलिंग्स, कारोकारी, वानी स्वेरा, ये सारी जो है जीबीवी की एग्जाम्पल्स हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस की। तो जेंडर बेस्ड वायलेंस को समझना और उसको खत्म करना जो है वो बहुत जरूरी है, उसके लिए जेंडर स्टडी। एंड फाइनली डेवलपिंग इंडिजिनस परस्पेक्टिव्स ऑन विमेन, जेंडर स्टडीज इसलिए भी जरूरी ताकि औरतों पे इंडिजिनस परस्पेक्टिव्स जो हैं वो डेवलप किए जाएं। एक व्यू यहाँ से भी आया कि औरतों के क्या मसाइल हैं क्या नहीं है, जैसे कि यहाँ के लोकल मसाइल से, जैसे इस्लामिक फेमिनिज्म एक परस्पेक्टिव है, पोस्ट कॉलोनियल एक परस्पेक्टिव है, इंटरसेक्शनैलिटी है, सारे ऐसे परस्पेक्टिव्स या व्यूज जो कि यहाँ लोकलाइज तरीके से हम औरतों के मसाइल को समझने के लिए बिल्ड कर सकें। पाकिस्तान में जेंडर स्टडीज के इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, इनका क्या एवोल्यूशन देख लेते हैं ताकि हमें समझ आए कि जेंडर स्टडीज का एवोल्यूशन क्या हुआ पाकिस्तान में। इंस्टीट्यूशंस ऑफ विमेन एंड जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान, देखिए 1989 में मिनिस्ट्री ऑफ विमेन डेवलपमेंट बनी थी, ये प्राइम मिनिस्टर बेनजीर जब थी उनके टाइम पे, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन डेवलपमेंट 1989। तो हम यहाँ से देखते हैं एक अच्छा एक प्रॉपर स्टेप शुरू होता है कि पाकिस्तान में औरतों के डेवलपमेंट के लिए काम। फिर इसी टाइम पे इसने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जेंडर स्टडीज, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर जेंडर स्टडीज एस्टैब्लिश की यूनिवर्सिटीज में 1989 में, ठीक है, और ये भी इसी ने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन डेवलपमेंट इन 1989 में, तो ये एक स्टेप है। फिर हम देखते हैं 1991 में पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर विमेन स्टडीज, मतलब एसोसिएशन फॉर विमेन स्टडीज है पॉज के नाम से वो बनता है, उसका भी ये मकसद है कि विमेन स्टडीज की जाए और औरतों के मसाइल को समझा जाए। ये क्वेश्चन आ सकता है स्टेटस और एवोल्यूशन ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान। फिर देखें इंस्टीट्यूट ऑफ विमेन डेवलपमेंट स्टडीज बनता है 1994 में,
यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरू में, ये इम्पोर्टेंट है. देन फर्स्ट एमए इन विमेन स्टडीज डिपार्टमेंट, ठीक है, ये अभी बस लिख लें या कॉपी कर लें, इनको क्रैम बाद में कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है. 1996 में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में बनता है फर्स्ट एमए, ये डालें, एक पूरा टाइमलाइन आपके जहन होना चाहिए. देन जेंडर स्टडीज डिपार्टमेंट इन इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी इन 1997 बनता है. तो हम देख रहे हैं कैसे 89 के बाद से 90s में ये एवोल्यूशन हुआ है जेंडर स्टडीज का पाकिस्तान, ठीक है. फिर 1998 में पाकिस्तान जो है नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बनाता है जिसमें ये होता है कि हम, ठीक है, औरतों के हकूक पे काम करेंगे, ठीक है. इट ऑल्सो रिकमेंड द प्रमोशन ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ जेंडर वुमेन स्टडीज इन पब्लिक एंड प्राइवेट एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, कि हम ये डिपार्टमेंट्स डेवलप करेंगे और इसमें वुमेन स्टडीज और जेंडर स्टडीज. उसके बाद क्या एवोल्यूशन होता है, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, ये परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम पे हुआ था. एक कमीशन है जो कि एग्जिस्ट करता है अभी भी, ये औरतों के मसाइल पे रिसर्च करता है, लेजिस्लेशन वगैरह को जो है वो ये बताता है कि आप ये लेजिस्लेशन करें, ये करें, ये औरतों के लिए बेहतर है. इसी के ही उसमें एम्बर्ट में बाद में जो विमेन प्रोटेक्शन बिल और वो सारा क्लियर है, जिसमें हदूद ऑर्डिनेंस और वो सारा कुछ रिवर्स होगा. तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था. इस सारे एवोल्यूशन को आप इसमें भी लिख सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ विमेन राइट्स, उसमें भी इधर से डिटेल जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है. तो पाकिस्तान में जो है एक पूरा प्रोसेस है जिससे डेवलप हुआ है वो हमने देखा है. फिर इसमें एक और एम्बिट आ जाता है, हायर स्टडीज इन जेंडर स्टडीज. हायर स्टडीज क्या होती हैं, जो पीएचडी मास्टर्स लेवल के हैं वो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं. वो किस टाइम पे हुआ है, ओके, 96 में हम देख रहे हैं कि पहला एमए कोर्स था. 2002 में जो है एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम शुरू हुआ है जेंडर वुमेन स्टडीज का, तो ये इंपॉर्टेंट है. तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप याद कर लीजिएगा ताकि अपने आर्गुमेंट्स में डाल सके, मोस्टली हिस्ट्री है, ओके. फिर रिसर्च एंड पब्लिकेशन इन जेंडर स्टडीज है. अगर सवाल पूरा पाकिस्तान के आता है कि पाकिस्तान में जेंडर स्टडीज के क्या स्टेटस है, तो आप बस ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं इसमें से कुछ चीजें उसमें आप ऐड कर दें, कि एक ओवरऑल उसको एक एकेडेमिक पर्सपेक्टिव से यहाँ बात होती है, राइट्स वगैरह से ज्यादा एकेडेमिक पर्सपेक्टिव से, कि जेंडर स्टडीज एज अ सब्जेक्ट पाकिस्तान में कैसे इवॉल्व हुआ है, किस यूनिवर्सिटी में पहले आया, किस यूनिवर्सिटी में बाद में आया, और किस तरह जो है वो पाकिस्तान में ओवरऑल इवॉल्व हुआ. अच्छा, अब हम दोबारा थोड़ा सा उसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं, और एक हमारा टॉपिक है विच इज नोन एज मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडी. मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का क्या मतलब है, कि जेंडर स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दूसरे तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं उनका कोई ना कोई लिंक है, इसलिए तमाम दूसरे सब्जेक्ट के साथ इसका लिंक बनता है. इसको कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटर डिसिप्लिनरी, और इसमें काफी कुछ होता है. विमेन्स इन जेंडर स्टडीज ड्रॉज अपॉन मेथड्स एंड कंटेंट फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग एंथ्रोपोलॉजी, लिटरेचर, आर्ट्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन सबका होता है. और वो हम देखते हैं कैसे कैसे जेंडर स्टडीज वो मल्टी डिसिप्लिनरी है. देखिए, सबसे पहले सोशियोलॉजी है जेंडर स्टडीज में, वो तो है, सोशियोलॉजी से ही आगे निकला हुआ है, सोशल इंस्टीट्यूशन, ये सारे कॉन्सेप्ट, जेंडर सोशलाइजेशन, नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स, सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन, पेट्रियार्की, ये सारा कुछ सोशियोलॉजी से ही आया, ठीक है. फिर फिलोसफी का कैसे लिंक है जेंडर स्टडीज से, कार्ल मार्क्स की पूरी थिंकिंग जो सोशल कॉन्टेक्स्ट पर्सपेक्टिव है वो इसमें आता है, ठीक है. डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, कार्ल मार्क्स के जेंडर आइडेंटिटी, एजेंसी, डिफरेंट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स जो के मेन फिलोसफी से उठ के यहाँ पे आए हुए हैं. फिर साइकोलॉजी और जेंडर स्टडीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एग्जाम्पल देखें, साइकोएनालिटिकल फेमिनिज्म एक पूरी है, फ्रॉइडियन थ्योरीज एंड जेंडर डेवलपमेंट की, सारी प्योर साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट है जो कि जेंडर स्टडीज में आते हैं. फिर हिस्ट्री है, हिस्ट्री का भी एक एम्बिट बनता है साथ, जैसे कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एनालिसिस ऑफ जेंडर, औरतों को फर्ज करें आप हिस्ट्री में उसको परसीव करें हो कि जेंडर कैसे इवॉल्व होता है ओवर हिस्ट्री, ये हिस्ट्री का आ जाएगा. या फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री भी हो सकता है, कि औरतों की नज़र से पूरी हिस्ट्री को देखा जाए तो वो भी हो सकता है. फिर बायोलॉजी एक अपने आप में पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन उसका भी जेंडर स्टडीज के साथ लिंक होता है. स्टडी ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड फीमेल ऑर्गन्स एंड बॉडीज, तो वो भी इसके साथ जो है वो लिंक हो जाता है. जी, कोई और एग्जाम्पल दीजिएगा किसी और डिसिप्लिन का जेंडर स्टडीज के साथ लिंक, कोशिश करें किसी और सब्जेक्ट का जेंडर स्टडीज के साथ
लिंक मल्टीडिसिप्लिनरी के पर्सपेक्टिव से. लॉ, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है लॉ. मैथ्स कम्युनिकेशन, यस हो सकता है. और कोई बताएं. इकोनॉमी सब्जेक्ट, डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, पॉलिटिकल साइंस, वेरी गुड. इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग किस तरह होगा, मतलब हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता, लेकिन वो कनेक्ट करते हैं, मुझे क्लिक नहीं किया. आईटी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. वुमेन रोल, इंटरनेट एक्सेस. आईआर हो सकता है, इंटरनेशनल रिलेशंस 100%. ह्यूमन डेवलपमेंट, वेरी गुड. मीडिया स्टडीज हो सकता है. क्रिमिनोलॉजी, यस. जनरल स्टडीज इन मैनेजमेंट साइंसेस हो सकता है, हो सकता है. एंथ्रोपोलॉजी हो सकता है, परफेक्ट है. तो पब्लिक हेल्थ हो सकता है, ई कॉमर्स हो सकता है, बिल्कुल ठीक है. ये आप बिल्कुल सही बता रहे हैं. बिल्कुल ऐसे ही आपने सवाल करना है, इसको समझना है कि मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर कैसे है जनरल स्टडीज की. उसमें मल्टीपल जो हैं वो आपको पर्सपेक्टिव नजर आ रहे हैं, जहां सिर्फ जनरल स्टडीज बोरो करता है और जो बॉडी ऑफ वर्क जो है वो उसका शेयर करता है. अब हम आते हैं अपने सेकंड सेगमेंट पे, जो मेजर है, दैट इज सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर. और सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर क्या चीज है, कि जो आपका जेंडर है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ये हम देखते हैं. सबसे पहले इसमें टॉपिक है हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्टिविज्म. देखिए, सोशल कंस्ट्रक्शन जो होती है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ये एक आइडिया है जो कि सोशियोलॉजी से आया है. और ये आइडिया कहां से आता है, ये एक बुक है 1966 की. पहले इसका जेंडर से कोई लिंक नहीं है, सोशियोलॉजी का प्योर कॉन्सेप्ट है. ये एक बुक है 1966 की, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी बाय बर्जर एंड लुकमान. ये जो बुक है इसमें पहली दफा ये आइडिया आता है कि आपकी जितनी सोशल रियलिटी है, आप जो कुछ परसीव करते हैं रियलिटी में सोशली, ठीक है, वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है. दैट इज नोन एज सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी. और इन्होंने आइडिया था तमाम सोशल रियलिटी, नॉर्म्स, वैल्यूज, कॉन्सेप्ट, जो आपका अच्छा बुरा है सोसाइटी में, कंप्लीट कल्चर जो आपका है, वो एक सोशली कंस्ट्रक्टेड फैक्ट है. ये एक आइडिया इतना रेवोल्यूशनरी था कि अच्छा, आपके तमाम ये आइडियाज परमानेंट नहीं है, या ये कोई परमानेंट फीचर नहीं है, इवॉल्व होते हैं, लोग इसको खुद क्रिएट करते हैं. ये इतना एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था कि इवेंचुअली ये कॉन्सेप्ट और भी बड़ी चीजों में आ गया, आईआर में आ गया कंस्ट्रक्टिविज्म, फिर ये जेंडर में आ गया. और यही आइडिया जो है वो हम देखते हैं कि कैसे अब इसमें आएगा. सोशल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है. सोशल कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि ये रिलेटिव है, हर बंदा अपने जहन में अपनी रियलिटी बना लेता है. अपनी तो नहीं होती, सोशली कंस्ट्रक्टेड रियलिटी वो होती है जो लोग मिलके शेयर करके बनाते हैं. लेकिन वो रियलिटी में इस तरह ऑब्जेक्टिव फैक्ट नहीं है कि जैसे ग्रेविटी एक ऐसा फैक्ट है जो कि हर जगह एक ही होगा. सोशली कंस्ट्रक्टेड रियलिटी वो होती है जो कि हर जगह पे फर्क होगा. तो इसमें रिलेटिविज्म होगा, इट विल बी रिलेटिव टू द प्लेस और कल्चर. और इसमें ये कॉन्सेप्ट कि कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, सारी की सारी रियलिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड है, आपके जहन में कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, इसलिए वो चेंज भी हो सकती है. और रियलिटी इज सोशल, रियलिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड. अब इससे एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल निकलता है, और इससे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ये निकलता है कि आपका जो जेंडर है वो भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है. वो जेंडर कोई रियल चीज नहीं है, जेंडर खुद एक सोशली कंस्ट्रक्टेड चीज है जो कि हमने सीख लिया. अच्छा, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे, कहां से आइडिया इवॉल्व हुआ और ये सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर का आइडिया डेवलप होते होते कहां से कहां पहुंच चुका है. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं. इसका मतलब क्या है, देखिए, मतलब सिंपल ये है कि सोसाइटी एंड कल्चर क्रिएट जेंडर रोल्स, एंड दीज रोल्स आर प्रिस्क्राइब्ड एज आइडियल और अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर अ पर्सन ऑफ दैट स्पेसिफिक जेंडर. इसका मतलब ये है कि आपका जो मुआशरा होता है वो सोशली कंस्ट्रक्ट कर लेता है डिफरेंट किस्म के रूल्स औरतों के लिए, मर्दों के लिए. वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, लेकिन वो प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है कि औरतें ऐसे बिहेव करेंगे और मर्द ऐसे बिहेव करेंगे. और ये जो सोच है कि ऐसे बिहेव करेंगे, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है. तो वो चेंज हो सकता है, वो इवॉल्व हो सकता है, हर मुआशरे में फर्क होता है. ओके, तो ये आइडिया कहाँ से आता है, कहाँ से कैसे इवॉल्व हुआ, वो हम देखते हैं. सबसे पहले एक बुक देखें 1949 में, सिमन डी बेवुआ की, ये हैं राइटर हैं.
इनकी बुक है द सेकंड सेक्स, और इसमें ये आइडिया देती हैं, इनके कोटेशन है, वन इज नॉट बॉर्न बट बिकम्स अ वुमन. यहां से भी ये आइडिया जो है निकलता है, ये आइडिया क्या, कोई पैदा औरत नहीं होता, वो औरत बनता है, जिसका मतलब ये है कि आपकी बायोलॉजी डिफाइन नहीं करती. तो यहाँ पे हमें वो सेक्स जेंडर डिवाइड भी नजर आ रहा है, और सोशल कंस्ट्रक्शन वाला आइडिया भी लेटेंटली नजर आ रहा है कि कोई पैदा नहीं होता औरत, औरत एक सोशली कंस्ट्रक्टेड फैक्ट है, औरत एक आइडिया है जो कि उस पर इम्पोज किया जाता है. उसकी बायोलॉजी कहीं से नहीं बताती कि उसने किचन में काम करना है, उसकी बायोलॉजी इज अ बायोलॉजी, वो ठीक है वो रिप्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन उसका सोशल रोल बाद में उसको सिखाया जाता है. वन इज नॉट बॉर्न बट बिकम्स अ वुमन. फिर हमें जो है वो पीटर बर्गर और वो जो हमने बुक देखी है 1966 में सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, उसको ऐड करें. फिर अगली फेमिनिस्ट स्कॉलर एक देखें, केट मिलिट हैं, इनकी बुक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स के नाम से. ये कहती हैं कि जो बच्चे की छोटी एज होती है चाइल्ड डेवलपमेंट, उस स्टेज पे ही ये एक कंस्ट्रक्ट किया जाता है जेंडर, उसको सिखाया जाता है. बच्चा जो है उसने गुड़ियों से खेलना, बच्ची जो है उसने गुड़ियों से खेलना है, लड़के ने गाड़ियों से खेलना है, लड़का क्रिकेट खेल सकता है, फुटबॉल खेल सकता है, लड़की नहीं जो है वो खेल सकती. तो ये कहती हैं कि फैमिली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ पेट्रियार्की थ्रू विच द जेंडर रोल्स आर टॉट. तो ये जो जेंडर कंस्ट्रक्टेड होता है, ये माशरे में फैमिलीज आके बच्चों को सिखा रही होती हैं, बच्चे खुद ही अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं जेंडर रोल्स, ये आइडिया इसमें आता है. फिर एक बुक है डायलेक्टिक ऑफ सेक्स बाय शुलामित फायरस्टोन, ये मार्क्सिस्ट हैं, इनका एक पर्सपेक्टिव थोड़ा सा उस तरह से आता है. ये कहते हैं कि जेंडर नॉर्म्स वो भी इवॉल्व होते हैं हिस्ट्री में, और वो इस तरह से इवॉल्व होते हैं, मतलब सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं और इवॉल्व होते हैं, वो इस तरह से इवॉल्व होते हैं कि औरतों को सब्जेक्टेड रखा जाता है. फिर हम आगे थोड़े से आ जाते हैं 1990 में, जूडिथ बटलर हैं, उनकी बुक है जेंडर ट्रबल. ये जो हैं इन पे आके, तो ये क्योंकि क्वीर थीरी वाली पूरा डोमेन आ जाता है, ये अब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि हमने पहले बात की थी कि सोशली कंस्ट्रक्टेड जो है बात हम कर रहे थे कि जेंडर है, ये क्वीर थीरी की जो कैटेगरी है, ये तो कहते ही हैं कि मेल फीमेल कॉन्सेप्ट जो मैस्कुलिन फेमिनिन जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ये तो उससे भी एक्स्ट्रा पागे निकल जाते हैं क्वीर थ्योरी वाले, और ये कहते हैं कि बायोलॉजी की भी जो मेल फीमेल है वो भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है, मतलब विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि बायोलॉजी वाला फैक्ट मेल फीमेल कैसे सोशली कंस्ट्रक्टेड है. तो वो खैर बाद में हम देखते हैं क्वीर थ्योरी में. तो ये भी उसको एक एक्सट्रीम लेवल पे सोशल कंस्ट्रक्शन को लेकर जा रहे हैं कि जेंडर तक तो समझ आता है कि औरतों ने ये करना है, मर्दों ने ये करना है, ये एक जेंडर है, औरतें जो है वो सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, ये एक सोशली कंस्ट्रक्टेड फैक्ट है, मर्द जो है वो रोते नहीं है, सोशली कंस्ट्रक्टेड फैक्ट है. लेकिन बायोलॉजी किस तरह फर्क है, ये क्वीर थ्योरी इस स्टेप पे भी जाता है, लेकिन हम बाद में देखेंगे. अभी हमने उसका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखा है, अब हम देखते हैं कि कैसे जेंडर एक सोशली कंस्ट्रक्टेड फैक्ट है. देखें जेंडर कैसे सोशली कंस्ट्रक्टेड है, अगर ये आता है कि जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड या डीकंस्ट्रक्ट जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड या कुछ, सबसे पहले आइडिया सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन. द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इज दैट सेक्स इज बायोलॉजिकल एंड जेंडर इज कल्चरल. तो आपका सेक्स तो बायोलॉजिकल है, हर इंसान को वो नेचर ने दे दी, लेकिन उस बायोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कि आपको क्या करना चाहिए क्योंकि आपकी वो बायोलॉजी है, वो कल्चरल है और वो टोटली सोशली कंस्ट्रक्टेड है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फर्क है, दोनों को अलग करके देखना है. जेंडर सोशलाइजेशन एंड जेंडर रूल्स के ये अगला कॉन्सेप्ट है कि जेंडर सोशलाइजेशन क्या होती है, कि छोटी उम्रों में ही बच्चों को सिखा दिया जाता है कि आप लड़की हो, आपकी ये बेसिकली आपका जेंडर है, ये चीजें आपसे एक्सपेक्टेड है, आपने जो है इस तरह करना है, इस तरह बिहेव करना है, इस तरह नहीं बिहेव करना, और वो जेंडर रोल उसको बता दिया जाता है, वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, ये जो आइडिया है कि मर्द ऐसे बिहेव करे, औरत ऐसे बिहेव करे, ये जो आइडिया ऑफ मैस्कुलिनिटी है कि यू मर्द होता है और यू फीमेल होती है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है और ये सारे के सारे मुआशरा जो है वो डिफाइन करता है. ठीक है, जेंडर एज अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर. फिर इसमें यह भी हमें नजर आता है कि जब सोशल कंस्ट्रक्शन होती है जेंडर की, उसके साथ ही मुआशरा स्ट्रेटिफाई भी हो जाता है. स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है कि वो जैसे ही आप ये डिफाइन करते हैं ये मैस्कुलिनिटी है, ये फेमिनिटी है,
और आपने यूं बिहेव करना है, आपने यूं बिहेव करना है, बिल्कुल बायफर्केशन होती है और उससे आपको एक स्ट्रेटिफिकेशन नजर आती है। स्ट्रेटिफिकेशन क्या, बायफर्केशन जो आपका मुआशरा डिफरेंट उसमें कर रहा है। तो जेंडर हम देखते हैं कि सोशली कंस्ट्रक्टेड है और जेंडर मुआशरा आगे से आगे अपनी जनरेशन को वो सिखाता है। ये थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा जब हम सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर्स देखेंगे कॉल्ड मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। अब हम आते हैं कि सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर्स हैं कौन से। सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर मैस्कुलिनिटी है कि मर्द यूं होता है, या आप में से बहुत ने देखा होगा रैम्बो है ये पिक्चर, इसमें साफ पता चला कि मैस्कुलिनिटी क्या होती है कि ही इज फिजिकली फिट, उसकी जो है प्रॉपर उसकी बॉडी बनी हुई है, जिम जाता है, वेपन उसने उठाया हुआ है, दिस इज मैस्कुलिनिटी। कि एक मर्द का एक विजन जो है ना ये मर्द होता है, इसीलिए ये बहुत पॉपुलर है। इस तरह की मूवीज, एक्शन मूवीज आप देखेंगे, इस किस्म के रोल मॉडल्स जो कि आपकी मैस्कुलिनिटी को आगे जो है प्रमोट करते हैं कि दिस इज हाउ यू सपोज टू बी, वरना आप जो है वो सही तरह मेल नहीं है। तो ये मैस्कुलिनिटी है। मैस्कुलिनिटी ऑल्सो कॉल्ड मैनहुड और मैनलीनेस इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर्स एंड रोल्स एसोसिएटेड विद बॉयज एंड मैन। मतलब वो तमाम एक्सपेक्टेशंस रोल्स जो मर्दों से एक्सपेक्ट किया जाता है वो मैस्कुलिनिटी। सही है, मैस्कुलिनिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड है, लेकिन लोग कुछ ये भी बिलीव करते हैं कि उसका बायोलॉजी का भी एक रोल है, लेकिन उस बायोलॉजी वाली चीज को स्किप करते हैं क्योंकि हमने मोस्टली सोशल एलिमेंट पे फोकस करना है। तो ये आइडिया के मर्द ऐसे होते हैं वो बेसिकली सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, और ये भी जेंडर सोशलाइजेशन से सीखते हैं कि आप बच्चे होते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि आप बॉय हो, आप ऐसे ना करो, आप चलो शाबाश इस ना करो, आप अगर रो रहा होगा बच्चा उसको याद आप रो नहीं, आप तो लड़के हो, तो डिफरेंट किस्म के कपड़े पहनाए जाएंगे, डिफरेंट किस्म के चीजें की जाएंगी, बच्ची को घर पे रखा जाएगा, लड़का बाहर जा सकता है, बाहर नहीं निकल सकता, इस किस्म की सारी चीजें जो हैं वो आपको सिखाई जाती है। वहां पर मैस्कुलिनिटी उस स्टेज पे कंस्ट्रक्ट होती है। मैस्कुलिनिटी के साथ आप उसके सिग्निफायर्स देखें, किस चीज से पता चलता है कि आप मेल हैं, ठीक है, या मर्द हैं, या मैस्कुलिन आइडिया, फिजीक आपकी हो, मस्कुलर बिल्ट हो, जैसे आपने देखे सिग्निफायर है उस चीज का, उस चीज को पता चलता है, सारे उसको उस तरह परसीव करते हैं, बॉडी और फेशियल हेयर हो, शॉर्ट हेयर हो, लड़कियों के लंबे बाल होते हैं, लड़कों के छोटे होते हैं, ये एक सोशली कंस्ट्रक्टेड फैक्ट है। गाड़ी होती है, ये तो मैंने कुछ आपको बताया, लड़कों को जिस तरह गाड़ियों का शौक होता है कि यार गाड़ी हो, ये हो, ये इस किस्म की जो पूरी सोच है लड़कों की, ठीक है। फिर अगला इसके साथ कॉन्सेप्ट आ जाता है मेल प्रिविलेज का। मेल प्रिविलेज का क्या कॉन्सेप्ट है मैस्कुलिनिटी के साथ? मेल प्रिविलेज इज अ कॉन्सेप्ट विद इन सोशियोलॉजी फॉर एग्जामिनिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल एडवांटेजेस और राइट्स दैट आर अवेलेबल टू मेन सोलली ऑन द बेसिक्स ऑफ देयर सेक्स एंड जेंडर। अच्छा, ये क्या आइडिया है कि चूंकि आपको मुआशरा कहता है कि ये मैस्कुलिन है, ये मैस्कुलिन है, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको ही हासिल होती हैं, ये मेल प्रिविलेज कहलाता है। क्योंकि आपका मुआशरा स्ट्रेटिफाइड है मैस्कुलिन फेमिनिन इन चीजों में, इन जेंडर्स पे, तो जो मैस्कुलिन जेंडर है उसको कोई ना कोई प्रिविलेज हासिल है, यही पेट्रियार्की है और यही मेल प्रिविलेज है। फिर एक आइडिया और भी आता है इसमें, ये डिफरेंट आइडियाज हैं उसके ऊपर बिल्ड करके डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट आता है नोन एज रेंज ऑफ मैस्कुलिनिटीज। ये भी एक स्टडी किया जाता है कि तमाम जो लड़के हैं या तमाम जिनको हम मेल कहते हैं या मैस्कुलिन कहते हैं वो एक कोई स्टैटिक नहीं है, उसमें भी एक रेंज है, एक सिंगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती मैस्कुलिनिटी, उसमें एक रेंज है जो कि उस रेंज पे ज्यादा होगा, कोई कम होगा, कोई उससे कम होगा, ठीक है ना। तो एक रेंज ऑफ मैस्कुलिनिटीज है और एक पूरी सबसे ऊपर भी एक होगी जो कि हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी होगी, जो कि सबसे डोमिनेंट होगी, ठीक है। फिर एक और कॉन्सेप्ट है मैकिज्मो के नाम से। मैकिज्मो क्या है कि ये जो एक सुपर प्राइड होना कि एक मैस्कुलिन किस्म की प्राइड, एक एग्जैजरेटेड मैस्कुलिनिटी, यार मैं तो ऐसा हूँ, फिर मैं तो नहीं ये करता, मैं ये कर सकता हूँ, जिस तरह होता है लड़कों में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा होती है, एक सेल्फ प्राइड, एक बहुत ज्यादा अपने ऊपर जो है रिलायंस होता है, ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मैस्कुलिन प्राइड, एग्जैजरेटेड मैस्कुलिनिटी कि जी ये तो बहुत मर्द है, और आपको जितनी पेट्रियार्कल सोसाइटी मिलेगी वहां पे आपको ज्यादा ये कॉन्सेप्ट मिलेंगे, मर्द ऐसे होता है, मर्द ऐसे नहीं करता, डिफरेंट किस्म के आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे। एफिमिनेसी क्या कॉन्सेप्ट है
कि आपने देखा होगा कई मर्द होते हैं जो कि बेसिकली जिनके अंदर कुछ फेमिनिन किस्म के ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, नेचुरली हो सकता है कि उसके अंदर थोड़े से इस तरह के ट्रेट्स हों, उसकी लुक ऐसे हो, फेशियल हेयर ना हो, तो वो चीज कोई अच्छी नहीं समझी जाती मैस्कुलिनिटी के कॉन्सेप्ट में, कि यार ये तो इसमें ये तो जनाना टाइप है, ये क्या है, ये जो बेसिकली है एफिमिनेसी कहता है. एफिमिनेसी इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्रेट्स इन अ बॉय और अ मैन दैट आर मोर ऑफन एसोसिएटेड विद फेमिनिन नेचर, बिहेवियर, मैनरिज्म, स्टाइल और जेंडर रोल्स rather than with masculine nature behavior, okay? It is a term frequently applied to womanly behavior, dominant style. Generally, ये तो है, उसको थोड़ा सा पसंद नहीं किया गया. फिर एक concept है hegemonic masculinity का. देखिए, ये हमने एक concept range of masculinities देखा था. अब range of masculinities में क्या है कि आपको लड़कों में भी ये नहीं नजर आएगा कि सारे उस masculinity के concept पे पूरा बैठते होंगे. कुछ होगा जो बहुत ही होगा, एक idealized form of masculinity जो है ना, वो hegemonic masculinity है, कि ये जो है ना इस तरह से men होना चाहिए, male होना चाहिए, और वहां पे रेयर कोई एक आधा बंदा होगा जो सारे उस criteria पे पूरा उतरता होगा. कोई नीचे होगा, कोई नीचे होगा, कोई नीचे होगा, ठीक है. और क्या होता है, एवरी सोशल सिस्टम देयर इज अ डोमिनेंट और हेजेमोनिक एंड आइडियलाइज्ड फॉर्म ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड, ठीक है, एपोथेसाइज्ड फॉर्म ऑफ फेमिनिटी दैट इज कंसीडर्ड एज प्रॉपर फॉर मेन एंड विमेन, के बहुत आइडियल टाइप उसकी होगी कि ये होना चाहिए, वो हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी कहलाता है. फिर एक और कॉन्सेप्ट है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी. ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, ये कोई अलग अलग नहीं है, काफी सारे मैच भी करते हैं, लेकिन ये डिफरेंट वोकैबुलरी है, और इस तरह के पेपर्स में सारी वोकैबुलरी की ही जो है ना मेन गेम होती है. टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी क्या है बेसिकली, कि इस किस्म का कल्चर जो कि मैस्कुलिनिटी से आपको एक नेगेटिव मैस्कुलिनिटी के जो इम्पैक्ट्स आते हैं ना, वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, कि जिस तरह फास्ट ड्राइविंग, अल्कोहल, उसके जो नेगेटिव रिपरकशन होते हैं, ठीक है. द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इज used in psychology and media discussions of masculinity to refer to certain cultural norms that are associated with harm to society and to men themselves. मतलब कई ऐसा behavior होते हैं men का जो बड़ा ही men oriented उनकी thinking होती है, लेकिन वो बड़ा negative किस्म का उसका एक impact आ रहा होता है, कि extreme masculinity और उसकी एक negative किस्म का impact आ रहा, तो उसको toxic masculinity कहते हैं, कि extreme manifestation of masculinity जो कि negative हो. Likewise, एक कॉन्सेप्ट है फेमिनिनिटी का, और फेमिनिनिटी क्या चीज होती है, फेमिनिनिटी इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर्स एंड रोल्स जनरली एसोसिएटेड विद गर्ल्स एंड वुमेन, और ये भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है, पूरा आइडिया कि लड़कियां ऐसी होती हैं, जैसे कि आप डिज्नी की प्रिंसेस देख रहे हैं, ये डिफरेंट, ये पूरी फेमिनिनिटी के कॉन्सेप्ट को जो है आप देख रहे हैं कि इसमें सिंबलाइज करें, कि लड़कियां इस तरह होती हैं, मेकअप, कपड़ों का शौक, ठीक है, कि बबली सी हैं, एक अजीब सा उसका एक आइडियल टाइप बनाया. हालांकि एक्चुअलिटी में लोग इस तरह नहीं होते, लेकिन इसी तरह यही ये सोशलाइजेशन के प्रोसेस जो आपने देखें, लड़कियां इस तरह होनी चाहिए, ठीक है, मेकअप करें, अपने उस पर फोकस करें, कपड़ों पे फोकस करें, उनका क्या काम है वो बाहर जाके कुछ करें, ये फेमिनिटी है. और इस पिक्चर में वो बहुत आपको परफेक्ट नजर आ रही होगी, फेमिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि कंस्ट्रक्टेड है. देखे ना, ये भी तो कंस्ट्रक्ट करके दिखा रहे हैं. किस किस्म के कॉन्सेप्ट होते हैं फेमिनिटी के, लविंग होंगी लड़कियां, केयरिंग, नर्चरिंग, डेलिकेट, ओबीडियंट, सेक्सुअली फेथफुल, बच्चों का ख्याल रखेंगी, जेंटल होंगी, सेंसिटिव होंगी, ब्यूटीफुल होंगी, अफेक्शन, टॉलरेंस, ये सारे ट्रेट्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं लड़कियों में, तो ये फेमिनिटी है. और ये सोशली कंस्ट्रक्टेड फैक्ट है, ये कोई नेचुरली ऑकरिंग जो है वो फैक्ट नहीं है, ये सारे के सारे ट्रेट्स उनसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं, ठीक है. अब ये किस तरह से सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, देखें, जैसा कल्ट ऑफ डोमेस्टिसिटी है, ये एक फेमिनिटी का कॉन्सेप्ट है, और ये एक सोशली कंस्ट्रक्टेड फैक्ट है, कि औरतें जो हैं उनको घर पे होना चाहिए, वो उनका घर पे रोल है, ये कल्ट ऑफ डोमेस्टिसिटी कहलाता है, कि विमेन आर सूटेड फॉर डोमेस्टिक एनवायरमेंट्स, और ये कल्ट ऑफ डोमेस्टिसिटी जो है औरतों को घर पे ही रख. इसका भी आप एनालिसिस उस तरह से कर सकते हैं फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से, और ये मैंने हर सवाल के पर्सपेक्टिव से किया है, कि अगर एक सवाल आता है तो उस पूरे सवाल के किस आप हेडिंग्स दे के उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. देखें, फेमिनिज्म, फेमिनिनिटी जो है वो कैसे सोशली कंस्ट्रक्टेड है, कोटेशन आप दे सकते हैं, वन इज नॉट बॉर्न अ वुमन, रादर बिकम्स वन, उसमें सिमोन डी बोवार की बुक है द सेकंड सेक्स, इन्होंने जो है सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन
फर्क डाला कि फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स आर टॉट, तो ये बेसिकली इनकी आप कह सकते हैं कि एक स्टार्ट है. ओके, सेकेंड वेव फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंस बाय सिमोन डी बेवार्ड बिलीव दैट ऑल्दो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स वर इनेट, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी हैड बीन कल्चरली कंस्ट्रक्टेड. ठीक है, ये सारे औरतों के कंस्ट्रक्ट किए गए हैं और उनको किए गए. यही बेटी फ्रीडन की फेमिनिन मिस्टेक में आता है कि वो उसको फेमिनिन मिस्टेक कह रहे हैं, जिसको हम फेमिनिटी कहते हैं. ये फेमिनिन मिस्टेक है जो कि उनको फॉलो करने, क्योंकि वो पायनियर्स में से हैं, उनकी टर्म और इनकी बुक का नाम यही है फेमिनिन मिस्टेक, और इससे मुराद ये है कि फेमिनिटी. और उसमें क्या है कि एक औरत एक हाउस वाइफ होती है. तो बेटी फ्रीडन ने भी ये बताया कि ये एक पूरा सोशली कंस्ट्रक्टेड फैक्ट है कि ये औरत ऐसे होती है और उसको ये फॉलो करना चाहिए, उसको हाउस वाइफ होना चाहिए, वो घर के काम करती है और ये सारा कुछ. ठीक है, फिर केट मिलिक की सेक्सुअल पॉलिटिक्स बुक है और इसमें भी यही बात करती है कि ये सारा कुछ बाद में होते हैं. इनके कोटेशन देखें, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सेक्सेस एट बर्थ, साइको सेक्सुअल पर्सनैलिटी इज देयर फॉर पोस्ट नेटल एंड लर्न. ये जितनी बात की साइकोलॉजी की लड़कियां ऐसे होती हैं और ऐसे नहीं होती, ये बाद में कंस्ट्रक्ट होती हैं. ये डिफरेंट फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं जो कि इस बात का एनालिसिस करें कि कैसे फेमिनिटी एक सोशली कंस्ट्रक्टेड रियलिटी. फिर जुडिथ बटलर हैं, ये भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये फेमिनिटी को भी डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम ये बायोलॉजिकल सेक्स को भी एक स्टेप आगे ले जाते हैं. ये जो जुडिथ बटलर हैं, इनकी जेंडर ट्रबल, ठीक है, क्वीर थ्योरी के पर्सपेक्टिव में, वो हम उसी पर्सपेक्टिव में देखेंगे. फिर जैसे मैस्कुलिनिटी और जेंडर सोशलाइजेशन है, इस तरह फेमिनिटी और जेंडर सोशलाइजेशन है. जेंडर सोशलाइजेशन क्या होती है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, वो छोटे होते हैं तो वो जब दूसरों को देखते हैं उस तरह वो ये सारा कुछ लर्न करते हैं. तो ये फेमिनिटी जो है कि औरतें अपनी माओं को देखेंगी अगर मेकअप करते हुए तो वो सोशलाइज हो जाएंगी, यही जेंडर सोशलाइजेशन है. उनको समझ आएगी अच्छा ये मैं लड़की हूँ, मेरी वालदा ये करती है अगर मेकअप करिए तो आई शुड डू दिस कि मैंने लिपस्टिक लगाने कुछ. तो ये बेसिकली आपकी जेंडर सोशलाइजेशन कहलाता है, और कि आपकी ये जो फेमिनिटी है ये जेंडर सोशलाइजेशन से जो है ना लोग सीखते हैं, लड़कियां सीखती हैं. फिर इसमें एक आप हेडिंग ये भी दे सकते हैं नेचर नर्चर डिबेट की, कि फेमिनिटी और नेचर नर्चर डिबेट के कितना परसेंट आपकी बायोलॉजी डिफाइन करता है और कितना सोशली कंस्ट्रक्टेड है. इसमें आप ये कह सकते हैं कि मोस्टली जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड ही होता है. फेमिनिटी की और अपीयरेंस के साथ क्या लिंक है, क्या सिग्निफायर्स हैं फेमिनिटी के, किस चीज से पता चलता है कि यार ये लड़की है, हमारे माशरे में डिफाइन होता है लंबे बाल हैं, लैक ऑफ फेशियल एंड बॉडी हेयर, डेलिकेट बॉडी होगी, थिननेस ऑफ बॉडी होगी, दीज आर सिग्निफायर्स ऑफ फेमिनिटी. ये वो आइडियाज हैं जिससे हम एक लड़की को रिलेट करते हैं. ब्राइट कलर्स होंगे कपड़ों में, यह आपने देखा है, नैरो वेस्ट हो, क्लियर स्किन हो, इस किस्म के आइडियाज हैं जो कि सोशली कंस्ट्रक्टेड है कि लड़की ऐसे होनी चाहिए. और अगर आप ऑन एड्स देखेंगे तो एड्स में इन्हीं चीजों पे इश्तिहार बनने होते हैं कि आपकी ये हो जाएगी वो हो जाएगी, लड़कियों के इन्हीं ट्रेड्स पे हो जो फेमिनिटी जनरली हम परसीव करते हैं उनके ऊपर वो एड्स बने होते हैं. ठीक है, फिर मुस्लिम सिग्निफायर्स ऑफ फेमिनिटी क्या, कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव से आप देखें कि फेमिनिटी को क्या चीज सिग्निफाई करेगी, तो वो हिजाब है, ठीक है, सिंबल ऑफ मॉडेस्टी है, वो उसमें आ सकता है. फिर एक और कॉन्सेप्ट होता है डिवियंस का. डिवियंस क्या चीज है, डिवियंस कहलाता है हर वो चीज जो कि डिविएट करती है माशरे से. ओके, तो डिवियंस है अगर आपका माशरा आपको यहाँ लेके जा रहा है, आप उसे डिविएट करेंगे तो वो डिवियंस है, और डिवियंस पसंद नहीं की जाती माशरों में. तो जब आपके लिए फेमिनिटी डिफाइन कर दी जाती है कि लड़कियां यूं होती हैं, लड़कियां घर में बैठती हैं, तो जब लड़कियों से डिविएट करती हैं तो फिर उनको सोशल सैंक्शन और उनको रिपरकशंस का सामना करना पड़ता है. विमेन हु फेल टू अडैप्ट टू द एक्सपेक्टेड जेंडर रोल्स आर शंड बाय द सोसाइटी थ्रू वेरियस मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल. ठीक है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये भी है कि मुआशरा इन्फोर्स करता रहता है कि ये आपने यूं ही बिहेव करना है, अगर आप यूं नहीं बिहेव करेंगे, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप फेमिनिन हो. जो लड़कियां थोड़ी सी मैस्कुलिन ट्रेट्स एग्जिबिट करती हैं तो उनको शन कर दिया जाता है, उनको जो है शर्मिंदा किया जाता है, या जिस भी तरीके से उनको सोशल सैंक्शन किया जाता है. इसकी एग्जाम्पल देख लें, कंदील बलोच की आप केस स्टडी लिख सकते हैं. ठीक है, कंदील बलोच वॉज अ मॉडल
and social media celebrity who gained attention through her provocative videos. ठीक है, वो different videos बनाती थी, अच्छी थी, बुरी थी, वो तो debate नहीं है, लेकिन provocative थी, सही है, लोगों को नहीं यहाँ पे पसंद आती थी. She challenged the gender norms of society and was murdered in response to the deviance from expected feminine. उससे एक certain role expect किया जा रहा है कि आपने यूं behave करना है. अच्छा या बुरा है वो अलग बात है कि उसने गलत किया या सही किया, वो मैं कोई उसको वो नहीं कर रहा कि ठीक किया या गलत किया. मैं आपको सिर्फ एक phenomena समझा रहा हूँ कि दिस इज डिवियंस, कि एक एक्सपेक्टेड फेमिनिन रोल से जब वो डिविएट कर जाती है तो वो बेसिकली डिवियंस. मैन भी डिविएट करते हैं. हमने जो पहले देखा कि अगर एक मर्द को बहुत मर्दाना होना चाहिए, आपने डेफिनेटली देखे होंगे लड़के एक दूसरे को ऐसी बातें कर, यार तू तो रहने दे, ये वो. लड़कों को एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने एक सर्टन तरीके से बिहेव, और लड़के जब उससे डिविएट करते हैं तो उनको भी शर्मिंदा किया जाता है कि यार तू तो भाई ऐसे है वो है. हमारे यहाँ एक बड़ी टर्म यूज होती है, बड़ी अजीब सी जो होती है, कि यार ये तो उसके नीचे लगा हुआ है, बीवी कंट्रोल करी है, पता नहीं क्या किस किस्म की, ये सारी जो बातें होती हैं, ये सारी बेसिकली डिवियंस को जो है वो करने के लिए होती हैं. और ये सोशल सैंक्शंस होती हैं, आपको गिल्ट दिया जाएगा, आपको शर्मिंदा कराया जाएगा. जी, इसके मुझे कोई एग्जाम्पल दें मैस्कुलिनिटी की या फेमिनिटी की, और उसके साथ फिर कैसे जो है वो डिवियंस होती है, फिर सोशल कंट्रोल होता है, ये तीनों चीजें लिंक करके बताएं. कोई मैस्कुलिनिटी की चलें कोई एग्जांपल दें, पहले यहां से शुरू करते हैं. मैस्कुलिनिटी को कोई एग्जांपल दें, ट्रेट कोई मैस्कुलिनिटी का. बॉडी बिल्डिंग, माचो मैन, बिल्कुल सही है. क्रिकेट फॉर बॉयज, मैन एंड ऑल्सो डिसीजन मेकर्स. कुकिंग फॉर वुमेन, बिल्कुल ठीक है. और बताएं मैस्कुलिनिटी या फेमिनिनिटी. हमाद प्लीज, टाइम ऑलरेडी हम लोगों का बहुत कम है, इसके बाद पढ़ लीजिएगा, टाइम बहुत ऑलरेडी बहुत बहुत कम है. स्मोकिंग इज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, यस, वेरी गुड एग्जाम्पल आयशा गुल ने दिए. स्मोकिंग इज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, बिल्कुल ऐसे ही है. मार्लबोरो मैन करें, इस पर और सोचें, क्योंकि क्रक्स जेंडर स्टडीज का यही है, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी. अगर ये चीजें आपको समझ आ गई, आपको ये समझ आ गया कि जेंडर और सेक्स में फर्क क्या है, सेक्स जेंडर डिवाइड समझ आ गया है. सेक्स आपकी बायोलॉजी है, उसका इससे कहीं ताल्लुक नहीं कि आपने सोसाइटी में क्या करना है. ये बात समझ आ गई आप लोगों को, जो लोग नए हैं वो बताएं. Shyness for women, बिल्कुल सही है. Firing is also toxic masculinity, बिल्कुल जी. फायर करने हैं, मैंने weapons रखते हैं लड़के, बहुत शौकीन होते हैं, वो सारा यही है. और बताएं जी, sex gender divide समझ आया, ये मुझे बताएं प्लीज, वो बहुत बुनियादी चीज है जो समझ आनी चाहिए. घर लेट आना, ठीक है. Hero villain, rough and tough positive women. Riding bike is for only boys, very good point. Playing with dolls. और बताएं कोई. Car lovers. Car के साथ क्या masculinity idea जुड़ा होता है? आपने देखा गाड़ियों के साथ लड़कों को कितना शौक होता है, उनसे उनकी मर्दानगी जो है वो काफी उभरती है कि जी मेरी तो ये गाड़ी है, मैं तो ये करूंगा, भाई ने तो ये लगवा लिया है, वूफर लगवा लिया, पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता है, सही है ना. बड़ी से बड़ी गाड़ी, आपने जीप्स देखी होंगी, जीप्स के साथ मेल एक कॉन्सेप्ट जुड़ा होता है, जितनी बड़ी. प्राडो के साथ आपने देखा, प्राडो जो है कितनी उससे एक मैस्कुलिन किस्म की फील आती है, बड़ी सी गाड़ी की. कमेंट्स ऑन गर्ल्स, बिल्कुल ठीक है. पिंक कलर डिपिक्ट्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ मैन, मेल, ठीक है. अच्छा, आप मुझे बताएं डिवियंस की कोई एग्जाम्पल दें, उसके साथ उसके सोशल कंट्रोल की एग्जाम्पल दें, कि इन फेमिनिन से रोल से. देखिए सेक्स जेंडर का फर्क ये है कि हम जनरली, ये मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ये डिवाइड समझ नहीं था, लोग समझते थे कि यार ये वुमेन है, ये औरत है, ये मतलब औरत ही इसकी बायोलॉजी है, इसीलिए इसको जो है वो किचन में काम करना. अब उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट बिकॉज की बायोलॉजी जो है वो वुमेन वाली है, उस बायोलॉजी से कैसे पता चल रहा है कि उसको किचन में काम करना चाहिए. तो ये कॉन्सेप्ट बहुत रेवोल्यूशनरी था, सेक्स जेंडर डिवाइड, कि यार सेक्स अलग चीज है, जेंडर अलग चीज है. ये जो आप बात करें कि उसको किचन में काम करना चाहिए, ये जेंडर है,
ये उसकी बायोलॉजी से कैसे पता चल रहा है कि उसको किचन में काम करना चाहिए, आप समझ रहे हैं, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। समझ आया मुबारक आपको? किसी का सेक्स कैसे डिफाइन करता है उसको वो करना चाहिए, पिंक कलर्स फॉर गर्ल्स, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप मुझे बताएं कि डीवियंस के एग्जाम्पल दें, डीवियंस क्या है? बाइक राइडिंग बाय गर्ल्स, मेल वेयरिंग पिंक, यस वेरी गुड, वीमेन वेयरिंग शलवार कमीज, वो तो डीवियंस नहीं है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नासिर जान खान, वेरी गुड, बेगम नवाजिश, नासिर खान जान डीवियंस है। एलेक्स भट्टी का कोई आइडिया नहीं मुझे। स्टे इन होम डैड्स, स्मोकिंग फॉर गर्ल्स डीवियंस है। मेल है लुकिंग आफ्टर किड्स, वेरी गुड एग्जाम्पल, हमारे मुआशरे में नहीं अच्छा समझा जाता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और डीवियंस की एग्जाम्पल दें, वीमेन गोइंग आउट विद मेल मेंबर हो सकता है, फीमेल ब्रेड विनर भी डीवियंस है, बिल्कुल ठीक है। मेल कुकिंग फॉर देयर वाइव्स हो सकता है, परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैन एज मेकअप आर्टिस्ट, बिल्कुल। वीमेन अर्निंग, मेल लुकिंग फॉर हाउस होल्ड कोर्स, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। आप लोगों को समझ आ गई है? देखिए डीवियंस हर वो चीज है, वीमेन राइडिंग रिक्शा भी है, जो कि आपके एक्सपेक्टेड जेंडर रोल से डीवियट कर जाता है तो वो डीवियंस कहलाता है। तो हमने देखा कि कैसे आपकी मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी एक सोशली कंस्ट्रक्टेड फैक्ट है, इसका एक्चुअल हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मुआशरे डिफरेंट किस्म के आइडियाज के थ्रू वो कर लेते हैं। फिर इसके अंदर एक डिबेट वही दोबारा आती है कि जेंडर डेवलप में नेचर का कितना रोल है और नर्चर का कितना रोल है या कल्चर का कितना रोल है। सीधी सी बहस ये है, अगर आप आम जुबान में समझें, कि आपकी बायोलॉजी का कितना रोल होता है और आपके जेंडर का कितना रोल होता है, ये एक डिबेट है जो कि ऑन गोइंग है। मोस्टली हम लोग इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि सारा सोशली कंस्ट्रक्टेड है, लेकिन बायोलॉजी वाले भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। देयर इज एन ऑन गोइंग डिबेट व्हिच कंटेन्स आर्ग्यूमेंट्स दैट जेंडर डिफरेंसेस आर कॉज्ड बाय डिफरेंट बायोलॉजिकल और सोशल डिफरेंसेस। कुछ है जो कहते हैं नहीं बायोलॉजी का रोल होता है, कुछ है कहते हैं नहीं सिर्फ टोटली सोशल होता है, ठीक है। पहला साइड हम देखते हैं रोल ऑफ बायोलॉजी का, इसके अंदर एवोल्यूशनरी फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। एवोल्यूशनरी फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है कि मर्द और औरत की बॉडीज डिफरेंट इवॉल्व हुई हुई हैं, क्योंकि वो डिफरेंट इवॉल्व हुई हुई हैं, उनके हार्मोन्स, उनकी हर फिजिकल चीज ही फर्क है, इसलिए उनकी बाद में हर तरह की बाद में माशरे में जेंडर भी डिफरेंट इवॉल्व होता है, क्योंकि उनकी बेसिक बायोलॉजी डिफरेंट है। तो ये टोटल बायोलॉजी में बिलीव करते हैं कि बायोलॉजी चीज है, लेकिन इसके साथ ही बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म भी एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि बहुत ही एक्सट्रीम उस आइडिया को अगर ले जाएं कि आपकी बायोलॉजी ही डिटर्मिन करती है कि आपका बाद में क्या जेंडर वो होगा, ये बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म है। तो फेमिनिस्ट और जो जनरली हम जिस एंगल से देख रहे हैं उसको कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं, ये बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म को रिजेक्ट करते हैं कि आपकी बायोलॉजी नहीं डिटर्मिन करेगी कि आपका बाद में जेंडर रोल क्या है और आप क्या हैं, उसका उससे कोई लिंक नहीं है ये, लेकिन बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म कहलाता है। दूसरी साइड है नर्चर या कल्चर, रोल ऑफ सोसाइटी के, बायोलॉजी का इतना रोल नहीं, बाद में लोग सीखते हैं कि बच्चियों को क्या पता कि आपने टी पार्टी करनी है या क्या इस तरह की चीजें, वो देख देख के कि लड़कियां जो हैं ये किचन के काम ज्यादा करती हैं, उनको डॉल हाउस चाहिए, एक उससे वो सीखनी है, ये कोई उनको जो है बेसिकली उनकी बायोलॉजी में कहीं नहीं उनको पता कि डॉल सिक्स उन्होंने खेलना है या उन्होंने टी पार्टी खेलना है या कुछ खेलना, उसमें वो सारी चीजें जो भी हमने पीछे देखी हैं। सोशल कॉग्निटिव बेसिकली थीरी यही है कि दूसरों को देख देख के बच्चे सीखते हैं, जो सोशलाइजेशन है ना बेसिकली उसकी ये थीरी है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। इट होल्ड्स दैट पोर्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल नॉलेज एक्विजिशन कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड ऑब्जर्विंग अदर्स। तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जो सोशलाइजेशन वाली थीरी है, ठीक है, वही वाला आर्ग्यूमेंट कि नहीं जेंडर सोशलाइजेशन होती है, उससे जेंडर रोल डिसाइड होते हैं। और फिर उन सारे बुक्स का आप दोबारा हवाला भी दे सकते हैं। असल में मैंने इस सादों में अलग अलग दोबारा इसलिए डाले होते हैं ताकि क्वेश्चन तो एंड पे एक ही आएगा ना, तो उसमें आप किसी का एनालिसिस दे सकते हैं। तो ये डिबेट है कि बायोलॉजी रोल प्ले करती है या कल्चर रोल प्ले करता है। फिर इसमें एक और अगली बहस भी है कि आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो बायोलॉजी डिटरमिन करती है या वो भी आपकी चॉइस है। मतलब ये बड़ा एक पेचीदा सवाल है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या चीज होती है कि आप सेक्सुअली अट्रैक्ट किससे हो रहे हैं, ठीक है, मेल से हो रहे हैं या फीमेल से हो रहे हैं। तो इसमें भी एक डिबेट है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज एन एंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ रोमांटिक और सेक्सुअल अट्रैक्शन टू पर्सन ऑफ द ऑपोजिट और द सेम। क्वेश्चन ये है
कि होमोसेक्सुअलिटी ये जो है कि आप सेम सेक्स से अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो बायोलॉजिकल है या सोशली लर्न, तो ये भी एक बहस है, ठीक है, ये भी एक बहस है कि ये एक, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये बायोलॉजिकल होता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सोशल होता है, कि ये आप खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं और ऐसी कोई चीज नहीं होती, या आप खुद ही लर्न करते हैं। तो इसके ऊपर बहुत बहस है, जो इस साइड को करते हैं वो कहते हैं नहीं, और जो दूसरी साइड को कहते हैं कि नहीं ये जो है बायोलॉजिकल होता है। तो ये भी एक चीज है कि बायोलॉजिकल है या ये सोशली लर्न। फाइनली इस चीज का एक अब रिकंसिलिएशन आया जिसे एपिजेनेटिक थीरी कहते हैं, और एपिजेनेटिक थीरी जो है वो रिकंसाइल करता है इस नेचर नर्चर डिबेट को, और वो ये कहता है कि इसमें दोनों ही होते हैं, बायोलॉजी का भी रोल है और उसका कल्चर का भी रोल है। तो ये इतनी पेचीदा थीरी है, ये इतना आप उसको इतने घुसने की जरूरत नहीं, लेकिन इसका नाम जरूर डाल लें, याद रखिएगा, एक हेडिंग डाल दें। वो ये कहता है कि इसमें आपकी बायोलॉजी और आपका सोशल एक्सपीरियंस दोनों मिल के बेसिकली ये एक पूरा लूप क्रिएट करते हैं, और उससे जो है आपको परसेंट डेवलप होती है। तो ये सबसे लेटेस्ट इसके ऊपर है जो कि दोनों साइड्स को बैलेंस करते हैं, नोन एज एपिजेनेटिक थीरी, ठीक है। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि जो आपकी सोशल, आपका जेंडर होता है वो बायोलॉजिकल होता है उससे डिटरमिन होता है, या सोशली डिटरमिन होता है, या क्या सोशली होता है? तो बायोलॉजी का क्या रोल है? मर्दों में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है, उसका कोई रोल होता है? हार्मोन्स का कोई रोल होता है या नहीं होता? ठीक है, आप देखें इस चीज पे सोचें कि क्या कोई हार्मोन्स का फर्क होता है, किसी चीज का होता है। अच्छा, तो देखें आपने बेसिकली इन दोनों पर्सपेक्टिव से मास्टर करना है, कि अगर आप प्रूव करना चाहें कि सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है तो वो भी आप पूरी तरह प्रूव कर सकें, और दूसरी तरफ ठीक है आप ये भी प्रूव कर सकें कि नहीं वो बायोलॉजी का होता है। तो आपका दोनों पे ग्रिप होना चाहिए ताकि आप जो है ना आपको बेहतर तरीके से आप किसी भी साइड को एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। सर इसमें थ्योरी ऑफ हिस्टोरिसिज्म भी है ना? थ्योरी ऑफ हिस्टोरिसिज्म मुझे आइडिया नहीं है ये किस पर्सपेक्टिव में, सर के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया तो हम किसको सपोर्ट करते हैं? सोशली को कीजिएगा। उसकी वजह पता क्या है? सारा फेमिनिस्ट कॉन्टेंट सोशली कंस्ट्रक्शन पे है, तो उसमें आपको आर्ग्यूमेंट्स भी ज्यादा मिल जाएंगे, कोटेशन भी ज्यादा मिल जाएगा, बायोलॉजिकल नहीं कीजिएगा, वो ज्यादा आसान होता है। सोशल कंस्ट्रक्शन को प्रूव करना बहुत आसान है, बायोलॉजिकल को प्रूव करना बहुत मुश्किल है। ओके, उसमें आप एक दो आर्गुमेंट से ज्यादा नहीं बता सकेंगे, तो आप लोग जो है उसको सोशल कंस्ट्रक्शन तक ही बताइएगा, बायोलॉजिकल बहुत मुश्किल हो जाता है प्रूव करना। लेकिन एक्चुअल बहस तो यही है ना, एक्चुअलिटी में तो आपको पता हो कि चीजें कैसे चल रही हैं। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसमें एक और स्टेप आगे चलते हैं, विच इज क्वीर थ्योरी, प्रॉब्लमटाइजिंग द कैटेगरी ऑफ सेक्स। अच्छा, अब बहुत ही एक स्टेप आगे आ जाएं। पहले हमने देखा था सेक्स जेंडर डिवाइड। सेक्स क्या होता है कि एक मर्द है एक औरत है, उनको डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स लगे हुए हैं, ठीक है, उनको डिफरेंट किस्म के उनके ऑर्गन्स हैं। जेंडर क्या है? जो कि सोशली कंस्ट्रक्टेड एक फैक्ट है। तो सेक्स पे तो हम एग्री कर रहे थे कि यार अच्छा सारे मेन जो होते हैं, मेल या मैन जो भी वर्ड यूज करना है, मेल, उसका एक ही सेक्स होता है क्योंकि वो एक ही बायोलॉजी होती है। लेकिन ये क्वीर थ्योरी एक और नेक्स्ट स्टेप पे जाती है और वो कहते हैं कि बायोलॉजी भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। मतलब जो आप मेल वाला कहते हैं ना कि मेल इसकी एक बायोलॉजी है, ये भी कोई फिक्स नहीं है, ये एक एक्सट्रीम ही है चीज, ठीक है। तो क्वीर थ्योरी जो है वो उसको भी चैलेंज करता है, वो इस तरह चैलेंज करता है कि आप बेसिक जो हम सोशल कंस्ट्रक्शन वाली पहले पूरी थ्योरी पढ़े थे उसमें ये फैक्ट हम ले रहे थे कि नहीं यार एक मेल बायोलॉजी होती है एक फीमेल बायोलॉजी तो होती है, एटलीस्ट ये दो चीजें तो फिक्स हैं, उसके ऊपर जेंडर क्या है वो अलग कहानी है, वो तो बाद में करते हैं। ये इसको भी चैलेंज करते हैं कि क्या एक मेल बायोलॉजी और एक फीमेल बायोलॉजी सिर्फ ये दो होती है? नहीं होती। तो ये उसको भी चैलेंज करते हैं, ये बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये हर उसको रिजेक्ट कर देते हैं,
An approach to literary and cultural study that rejects traditional categories of gender. Gender to pehle bhi reject hota, lekin ye sex ko bhi reject and sexuality usko bhi reject kar deta. Queer theory holds that individual sexuality is a fluid, fragmented, and dynamic collectivity of possible sexualities, and it may vary at different points during one's life. Ab ye postmodernism se influence hoke bana hua hai, isliye ye इस तरह का है कि ये स्टेबल नहीं है, सेक्सुअलिटी स्टेबल नहीं है, फिक्स चीज नहीं है, हर चीज एक इवॉल्व हो रहा है, एक फ्लूइड किस्म का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये सबसे लेटेस्ट और सबसे जो है ना पिछली हर चीज को जो है रिजेक्ट करके उससे एक स्टेप आगे जाता है, वो क्वीर थ्योरी। और मिशेल फूको जो है उनकी आइडियाज इस पर इन्फ्लुएंस है, उनके क्या आइडियाज थे, सेक्सुअलिटी कोई एसेंशियल कोई चीज नहीं होती, कोई फिक्स चीज नहीं है। वो कहते हैं कि सेक्सुअलिटी को भी आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो सेक्स की कैटेगरी को एज बायोलॉजी, और दूसरा सेक्सुअलिटी इस चीज को कि मैं इससे अट्रैक्ट होता हूँ, इस फैक्ट को। ये दो तीन तरह के फैक्ट्स हैं ना, हम तीन चीजों को डील करें यहाँ, अगर आप कंफ्यूज ना हो। एक है बायोलॉजी कि आपका सेक्स क्या है, वो फिजिकल एक फीचर है जो आपके ऑर्गन्स और आपकी ये सारी चीजें। एक चीज है जेंडर के बाद में आपका मुआशरा आपको क्या सोचने पर मजबूर है, आप अट्रैक्ट किससे हो रहे हैं, आपकी सेक्सुअल अट्रैक्शन किसकी तरफ है। तो ये तीन डिफरेंट चीजें हैं। तो क्वीर थ्योरी तीनों को रिजेक्ट करता है। जेंडर तो पहले रिजेक्टेड था कि कोई चीज नहीं होती, सोशली कंस्ट्रक्टेड है। ये सेक्स की कैटेगरी को भी रिजेक्ट करते हैं और सेक्सुअलिटी को भी रिजेक्ट करते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये हेट्रोसेक्सुअल होगा। हेट्रोसेक्सुअल क्या होता है कि जो मेल है फीमेल से अट्रैक्ट होगा, मेल मेल से नहीं होगा। वो कहते हैं नहीं, किसी से भी कोई भी हो सकता है, ये कोई फिक्स चीज नहीं है, कोई फिक्स कैटेगरी नहीं। फिर गेल रूबिन एक इसमें काम उन्होंने बहुत किया, ठीक है, उन्होंने भी इस पे क्वीर थ्योरी पे काम किया। उन्होंने भी कहा कि ये सारा कुछ जो है सेक्सुअल स्ट्रेटिफिकेशन, अब उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया सेक्सुअल स्ट्रेटिफिकेशन, कि हम कहते हैं ना ये मेल है, ये फीमेल है, ये जो है स्ट्रेट है, ये होमोसेक्सुअल है, ये फलाना, ये सारी कैटेगरीज हैं कि लोगों को फिक्स करते हैं। ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, आप बस हैं और आप किसी से भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। ये मेल फीमेल ये सारा कुछ भी जो है वो एक फ्लूइड किस्म का कॉन्सेप्ट है। फिर इसमें सबसे ज्यादा जिनकी इंपॉर्टेंस, जिनका नाम है, वो जूडिथ बटलर है क्वीर थ्योरी में, और इन्होंने आइडिया डेवलप किया कि सारा इसमें जो है उन्होंने डिस्टेबलाइज किया। क्वीर थ्योरी ओरिजिनेटेड विद जूडिथ बटलर्स 1990 बुक जेंडर ट्रबल, ठीक है, जेंडर ट्रबल। द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ क्वीर थ्योरी इज टू डिस्टेबलाइज ऑल नोशंस ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। वो तमाम जो आइडियाज हैं आपकी कैटेगरीज, उनको डिस्टेबलाइज करते हैं कि यार नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इसका इसके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिक नॉलेज की थीरी है। वो कहते हैं कोई भी फिक्स आइडिया जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, सारे आइडियाज रिलेटिव होते हैं। तो ये जो आइडिया है मेल फीमेल स्ट्रेट होमोसेक्सुअलिटी, ये सारी भी जो हैं ये कल्चरली क्रिएटेड आइडियाज हैं, और ये कैटेगरीज मेल और फीमेल तक जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं, ये भी कोई रियलिटी नहीं है इसके अंदर, ये उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या कोई थी, ठीक है, हम थोड़ा सा अभी हवा में मैंने बात की रैंडम, इसमें आप सारी चीजें ऐड करके मैं अलग अलग आपको बताता हूँ। जेंडर परफॉर्मेटिविटी का आइडिया है, जेंडर परफॉर्मेटिविटी का आइडिया क्या है, ये जूडिथ बटलर ने दिया है। वो कहते हैं कि आपकी कोई फिक्स जेंडर नहीं है, आप जेंडर परफॉर्म कर करके उसको रियल बना देते हैं, एक जेंडर में पार्टिसिपेट कर करके उसको रियल बना रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी कोई रियलिटी नहीं होती एक जेंडर की। आइडेंटिटीज फिक्स नहीं होती, कोई आइडेंटिटी फिक्स नहीं है, कोई आइडिया फिक्स नहीं है कि मैं मेल हूँ फीमेल हूँ कुछ भी हूँ, वो कोई आइडिया फिक्स नहीं है। नो एसेंशियल फीचर ऑफ अ जेंडर कैटेगरी, वो कहते हैं कि किसी किस्म का ये बात करना कि मैन वेमेन ये पॉइंटलेस है, ये कोई चीज नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इसके अलावा भी कोई चीज। इसलिए क्वेर का वर्ड है, क्वेर लोग कहते हैं आजकल एक्चुअली बाय मैं क्वेर हूँ। क्वेर क्या चीज है कि मैं ना मेल हूँ ना मैं फीमेल हूँ ना मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं बस कि मैं क्वेर हूँ कि बस बिल्कुल फ्लूड है। उसे जेंडर फ्लूड भी कहते हैं कि बस आप फ्लो करें कि यार मैं आज ये हूँ मैं आज हूँ, कोई फिक्स नहीं है आपकी आइडेंटिटी। फिर एक मेजर बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया, बायोलॉजिकल सेक्स इज ऑल्सो सोशली कंस्ट्रक्टेड, जो कि एक बहुत विच इज वेरी हार्ड टू बिलीव बट स्टिल ये कॉन्सेप्ट है। कहते हैं बायोलॉजिकल सेक्स इज ऑल्सो सोशल कंस्ट्रक्शन इन कंट्रास्ट टू दोज हु सीज सेक्सुअलिटी एज बायोलॉजिकल एंड जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। बटलर सीज सेक्स एज नो मोर अ नेचुरल कैटेगरी इन जेंडर, कहते हैं ये सेक्स मेल फीमेल ये भी जो है कोई नेचुरल कैटेगरी नहीं है, ये भी हमने बनाए, ऐसा कुछ नहीं एक्सिस्ट करता।
मतलब ये बस उनके जहन में, ये उनका एक आइडिया है। फिर वो ये कहते हैं कि जो सेक्सुअलिटी होती है कि जो स्ट्रेट्स होते हैं कि मेल फीमेल से अट्रैक्ट होता है, ये आइडिया कि मेल फीमेल से अट्रैक्ट होता है ये भी नेचुरल जो सोच बनाया हुआ आपने कि ये नेचुरल है, ये भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। और इससे कोई हटता है कि अगर कोई स्ट्रेट है, हेट्रोसेक्सुअल है, जो स्ट्रेट होता है ना कि मेल फीमेल से अट्रैक्ट होता है, फीमेल मेल से, उसको हेट्रोसेक्सुअलिटी कहते हैं। तो अगर कोई हेट्रोसेक्सुअल है और वो एक नॉर्मल बात है, ये नॉर्मल क्या नेचुरल का आइडिया भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है, नहीं है असल में, वो रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप होमोसेक्सुअल हो जाएं, आप होमोसेक्सुअल ना हो, आप एसेक्सुअल हो जाएं, एसेक्सुअल होता है जिसको सेक्सुअलिटी फील ही नहीं होती, आप जो मर्जी हो जाएं, ये कैटेगरीज हैं, सारे जहन के आइडियाज हैं, इनकी कोई नेचुरल आइडिया नहीं है, कोई ये नेचुरल कोई चीज नहीं है, कोई नेचर में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको फीमेल से ही अट्रैक्ट कराए, मतलब एक मेल पर्सपेक्टिव से, ये नेचुरल नहीं है, नेचुरल ऐसा कुछ नहीं है, ये भी सोशली कंस्ट्रक्टेड फैक्ट है, इसलिए आपकी अट्रैक्शन जो है वो मेन से भी हो सकती है और आपकी अट्रैक्शन किसी से भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, सेक्सुअलिटी भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है कि इसने इससे अट्रैक्ट होना है, ये भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। फिर वो ये कहते हैं कि नो यूनिटी ऑफ बायोलॉजिकल सेक्स, जेंडर आइडेंटिफिकेशन, हेट्रोसेक्सुअलिटी। अब हेट्रोसेक्सुअलिटी वही है कि मेल फीमेल से अट्रैक्ट होगा, फीमेल मेल से अट्रैक्ट होगी। और वो कहते हैं कि ये जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि एक मेल बायोलॉजी होती है, मेल बायोलॉजी फीमेल बायोलॉजी से अट्रैक्ट होती है और मेल बायोलॉजी के साथ मैस्कुलिन जेंडर जुड़ा होता है, ये सारा कुछ बकवास है, ऐसा इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, ये भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है और इवेंचुअली आप उसको सारे को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। चैलेंज टू नॉर्मेटिव मॉडल्स ऑफ सेक्स, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, उन सारे जो टिपिकल कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर, इसलिए किनको अकोमोडेट करते हैं, ए जेंडर होता है कि भाई हमारा कोई जेंडर है ही नहीं, ए होता है एब्सेंस, ठीक है ना, नहीं है, है ही नहीं, फील नहीं होता, इसलिए ए सेक्सुअल है जिसकी किसी की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होती। बाय जेंडर है कि जी मेरे दो जेंडर हैं, ये भी हो सकता है। ट्रांसजेंडर होता है जो कि जेंडर चेंज करता है, ठीक है, वो आपने देखा ऑपरेशन वगैरह से। जेंडर फ्लूइड होते हैं, जेंडर फ्लूइड वो होते हैं जो कहते हैं कि हमारा कोई जेंडर नहीं है, हम जो मर्जी बना लें, फ्लूइड है जेंडर, कोई ऐसा फिक्स कैटेगरी नहीं है हमारे। इंटरसेक्स पीपल भी होते हैं, इंटरसेक्स पीपल वो होते हैं जिनके दोनों बायोलॉजीज होती हैं, ये भी होते हैं लोग पैदा ऐसे होते हैं जिनके दोनों जेनिटल्स होते हैं, फीमेल और मेल। और इंटरसेक्स पीपल का जो आर्गुमेंट है ये सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि इनके इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करता है ये कि सेक्स भी सोशली कंस्ट्रक्टेड फैक्ट है, क्योंकि जो इंटरसेक्स पीपल होते हैं वो पैदाइश के वक्त उनके पास दोनों जेनिटल्स होते हैं और उस टाइम पे चॉइस ली जाती है कि कौन सा सेक्स उनको असाइन किया जाए। तो ये सेक्स असाइन तो कोई इंसान ही कर रहा है ना कि हम इस तरह से कर देते हैं, तो वो इंटरसेक्स पीपल वाली जो थीरी है वहां पे जो है वो ये चीज आती है। तो बेसिकली इसके अंदर इस किस्म के जो केसेस हैं वो भी सारे एडजस्ट होते हैं, ठीक है। फिर ये जो है हेट्रोसेक्सुअलिटी को भी रिजेक्ट करते हैं, ये कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी हो या जो भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेक्सुअलिटी फ्लूइड होती है। और ये जो मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट है यही हेट्रोसेक्सुअलिटी को भी रीइंफोर्स करता है, जब वो एक बाइनरी सेक्स एग्जिस्ट करेगा मेल फीमेल, वही फिर हेट्रोसेक्सुअलिटी का भी कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करेगा। और वो कहते हैं कि जो सोसाइटी होती है वो मेल फीमेल की बायोलॉजी और उनके जेंडर रोल को इन्फ्लुएंस करता है और हेट्रोसेक्सुअलिटी को इन्फोर्स करता है, और उसकी वजह से दूसरी जो सेक्सुअलिटीज होती हैं डिवियंट जो अब होंगी उस पैमाने पर डिवियंट जो होंगी जैसे कि होमोसेक्सुअल या कोई ऐसी चीज, उनको मार्जिनलाइज कर दिया जाए। तो इसमें आपको थोड़ा सा पावर का भी एलिमेंट नजर आ रहा है। पावर का एलिमेंट क्या है, क्योंकि ये मिशेल फुको ने भी इस पर लिखा है, उन्होंने इस चीज में लिखा है क्योंकि पोस्ट मॉडर्निस्ट थे कि इन सारे आइडियाज के थ्रू पावर एक्सरसाइज होती है। तो जो होमोसेक्सुअल होते हैं उन पे जनरली इस तरह पावर एक्सरसाइज हो रही होती है क्योंकि वो डिवियंट होते हैं, और हेट्रोसेक्सुअलिटी डिवियंट नहीं होती, वो हालांकि सोसाइटी उसको नॉर्मल डिफाइन करती है, ऑल्दो उसके पीछे भी कोई जस्टिफाइंग फाउंडेशन नहीं, ठीक है जी। अच्छा आप मुझे बताएं कि ये आपको समझ आई क्वेर थ्योरी, इट्स हार्ड टू बिलीव बट उसके आइडियाज आपको समझ आए हैं? बेसिक फेमिनिस्ट, बेसिक जेंडर तो आपके सिर्फ सोशल कंस्ट्रक्ट, आप एग्री करते हैं
इससे या नहीं एग्री करते हैं? क्या बायोलॉजी सोशली कंस्ट्रक्टेड है? मुझे ये बताएं, बायोलॉजी क्या सोशली कंस्ट्रक्टेड है? जी जी बायोलॉजी सोशली कंस्ट्रक्टेड नहीं है। अच्छा, एक सवाल आप लोगों को आ सकता है कि इज सेक्स सोशली कंस्ट्रक्टेड? सेक्स मतलब आपका बायोलॉजी, यस और नो? बस इस पे आपका जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यस, ओनली इन केस ऑफ इंटरसेक्स, बिल्कुल सही है। नो बट द कैरेक्टरिस्टिक्स आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, बिल्कुल सही है, इंटरसेक्स में है, बिल्कुल ठीक है। तो ये बेसिक आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए कि क्वीर थ्योरी जो है जी, सेक्स भी एक बस एक सोशल कंस्ट्रक्ट है उनके। लेकिन देखें इसको, इसमें नेचर वर्सेस नेचर का भी आ सकता है कॉन्सेप्ट। बड़ा मुश्किल है इसको आर्ग्यू करना, बहुत मुश्किल है। मतलब इसमें मैंने रिसर्च भी की, लेकिन किस तरह से, बायोलॉजी तो एक फिजिकल रियलिटी है, उसको कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं, इसलिए समझ नहीं आती, ठीक है। लेकिन इसमें सेक्सुअलिटी जो है, क्या वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ये मुझे बताएं। सेक्सुअलिटी से मुराद है सेक्सुअल अट्रैक्शन, क्या वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है या वो बायोलॉजिकल है? सेक्सुअल अट्रैक्शन बायोलॉजिकल है या सोशल है? इट्स बायोलॉजिकल, ठीक है। सोशली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। अच्छा, मतलब सेक्सुअल अट्रैक्शन इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, बिल्कुल ठीक है। बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, बस इसमें आपने अपने आर्गुमेंट्स लेके रखने हैं इन दोनों साइडों पे, ताकि आप उसको सही तरह आर्ग्यू कर सकें, और अगर कोई आ जाता है उसको काउंटर कर सकें कि क्या सेक्सुअल अट्रैक्शन बायोलॉजिकल है या सोशल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये सारा सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर है, यही सारा सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ हमारा सेक्स है जी। यहां तक आज अभी तक आप लोगों को क्लियर हुआ है? क्योंकि हमारी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है मुझे पता है, लेकिन कंटेंट भी बहुत ज्यादा है, उसको कवर करने का और कोई तरीका भी नहीं है। ये लंबा वाला मैसेज प्लीज दोबारा भेजिएगा, ऊपर चला गया, किसी ने कुछ किया था, दोबारा करें, किसी ने एक लंबा सा मैसेज अभी लिखा था। सोशली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज हमें बचपन से नहीं बताया गया होता कि आपने किसकी तरफ अट्रैक्ट होना है। सोशली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज हमें बचपन से नहीं बताया गया होता, समझा नहीं। जब बचपन से बताया गया होता है तो सोशली कंस्ट्रक्टेड नहीं होगा। मेबी, मतलब ये आपको दोनों साइड जो है ना इसकी समझ होनी चाहिए। अट्रैक्शन इज हार्मोनल बायोलॉजिकल, वेरी गुड पॉइंट, ये जरूर लिखें। नेचुरल हार्मोन्स आल्सो प्ले, कोई नेशंस भी एक एक्ट्रेस ग्रुप बना था 1990, ठीक है। जी अच्छा, चलें आप मुझे बस ये बता दें यहां तक क्लियर हो गया, क्योंकि ये सबसे पेचीदा किस्म की चीजें, मेन जो इसमें है ना वो यही है। करें क्रिटिसिज्म, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जेंडर स्टडीज का पेपर जो है ना, जेंडर स्टडीज का पेपर बहुत कंसेप्चुअल और बहुत आर्गुमेंटेटिव होता है। जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, एक साइड के आर्गुमेंट दूसरे साइड, आपने वो आर्गुमेंट लिख के रख लेने हैं अपने पास, और वो बस आ जाएगा कि यार बताएं कि ये है या नहीं है। और जितना अच्छा आप आर्ग्यू कर सकते हैं उतना अच्छा आप आर्ग्यू कर लेंगे जी। यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ें। अच्छा, किसी फ्रेंड से ले लीजिएगा, इन्होंने सबने ली होंगी, क्योंकि अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा ये जो स्लाइड्स कह रहे हैं। अच्छा चलें, अब आगे चलते हैं। अब सेक्स जेंडर डिवाइड हमें समझ आ गया है, सेक्स जो है सोशल कंस्ट्रक्शन है वो हमें समझ आ गया है, और अच्छा एक मिनट दीजिएगा मुझे।
अच्छा हमारी क्लास में लोग ज्यादा हैं, इसका मतलब है आगे पीछे और भी बच्चे आए हुए हैं ग्रुप से। चलें कोई नहीं। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगला हमारा टॉपिक है फेमिनिस्ट थियरीज एंड प्रैक्टिस। ये हमारा का अगला पूरा सेगमेंट है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज फेमिनिज्म, फेमिनिज्म क्या चीज है और फेमिनिज्म क्या चीज है। बेसिकली राइट्स के लिए पॉलिटिकली एक्टिव होकर कुछ करना को फेमिनिज्म कह सकते हैं। फेमिनिज्म इज अ रेंज ऑफ सोशल मूवमेंट्स, पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड आइडियोलॉजीज दैट शेयर अ कॉमन गोल to define, establish and achieve the political, economic, personal and social equality of the sexes. कि अगर आप एक social movement हो, आप जो हैं कुछ ना कुछ effort कर रहे हो हकूक के लिए, औरतों के हकूक के लिए, equality of the sexes के, उसको feminism कहते हैं। तो उन rights के लिए, equality के लिए कोई political effort करना, कोई social effort करना, उसको feminism कहते हैं। तो activism के साथ feminism जुड़ा हुआ है, ठीक है। This includes seeking to establish equal opportunities for women in education and employment, और जो है औरतों के equal rights और वो सारा। Goals क्या होते हैं feminism के? Right to vote, right to property, equal wages, safe working environment, equal rights, equal opportunities, मतलब equality की तरफ जाना, कि औरतों और मर्दों को जो differences का सामना करना पड़ता है उसको। Patriarchy को end करना, challenging gender roles, violence against women, sexism, ये बेसिकली सारा कुछ खत्म करना जो मुआशरे में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जो फेमिनिस्ट थीरी क्या होती है, जो फेमिनिज्म की मूवमेंट थी उसके अंदर से जो थीरी निकलेगी वो फेमिनिस्ट थीरी कहलाती है। गोल्स क्या है फेमिनिस्ट थीरी के, ठीक है, समझना मुआशरे को, उसमें पावर डिफरेंशियल को समझना, औरतें कैसे सब्जुगेटेड हैं और कैसे जो है इसको खत्म किया जा सके। जितनी हमने अभी सेक्स जेंडर डिवाइड हो ये सारा कुछ पढ़ा है, ये फेमिनिस्ट थ्योरी से ही निकला है, ये कोई ऐसा फर्क नहीं है, बस अब उसको हम फेमिनिज्म के एम्बिट में देख रहे हैं। किस किस किस्म की फेमिनिस्ट टाइप्स होती हैं? मेजर टाइप लिबरलिज्म है, रेडिकल फेमिनिज्म है, सोशलिस्ट फेमिनिज्म है, ये डिफरेंट किस्म की जो है टाइप्स हैं। साइकोएनालिटिक फेमिनिज्म है, इंटरसेक्शनैलिटी है, ब्लैक फेमिनिज्म है, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म है, इको फेमिनिज्म है, सेपरेटिस्ट है, अमेजोन फेमिनिज्म है, और फिर उसकी वेव्स भी देख सकते हैं। वेव्स किस तरह, इस तरह से स्टडी करना कि आप हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में देखें कि कब वो एक हाइट आई इस फिनोमिना की कि हमें औरतों के हकूक को अचीव करना चाहिए, ये वेव है, और फिर अगली वेव आई, तो ये वेव्स ऑफ फेमिनिज्म कहलाता है। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं लिबरल फेमिनिज्म, और लिबरल फेमिनिज्म जो है उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ये एक टाइप है फेमिनिज्म की। देखिए लिबरल फेमिनिज्म जो है वो सबसे डोमिनेंट फेमिनिज्म पहले एक टाइम पर आया, सबसे पहले फेमिनिज्म डेवलप लिबरल पर्सपेक्टिव में हुआ है, और उसकी डेवलपमेंट देखते हैं। ये जब लिबरलिज्म डेवलप हो रहा था तो उसके साथ साथ लिबरल फेमिनिज्म भी डेवलप हो। डिफरेंट लिबरल थिंकर्स ने जब वुमेन राइट्स की बात की तो वो लिबरल फेमिनिज्म है, और ये सबसे पुराना फेमिनिज्म है, और एसेंशियली यहीं से सारा आप कह सकते हैं कि फेमिनिज्म स्टार्ट होता है। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट हैं, इनकी बुक्स है विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, इसमें इन्होंने डिफरेंट बातें की कि बिल्कुल शुरू में 1792 देखें, बहुत पहले की बात है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, कि औरतों के जो है एजुकेशन इक्वल होनी चाहिए मैन के। मैरी वॉलस्टोन अपने टाइम से बहुत आगे की थी, इन्होंने कहा कि एजुकेशन दोनों को इक्वल देनी चाहिए औरतों को। फिर हमें जॉन स्टुअर्ट मिल और हैरियट टेलर नजर आते हैं 19th सेंचुरी में। जेस मिल की है सब्जुकेशन ऑफ विमेन, और इसमें बात करते हैं कि औरतों की मर्दों की इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं सेनेका फॉल्स कन्वेंशन 1848 में। सेनेका फॉल्स कन्वेंशन में क्या होता है कि डिसाइड करती हैं औरतें कि हमें जो है वोट करने का राइट होना चाहिए, हमारे जो हैं वो राइट्स बराबर होने चाहिए। और उसके साथ ही हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी एंड पे विमेन सफ्रेज मूवमेंट स्टार्ट होती है कि औरतों को वोट दिया जाए, ये सारा लिबरल फेमिनिज्म का ही पार्ट है। फिर उससे आगे आ जाए, ये हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बेटी फ्रीडन की फेमिनिन मिस्टीक बुक आती है 1963 में, और बेटी फ्रीडन की बुक जो है फेमिनिन मिस्टीक जो है इसमें
जो है वो यही बात करती हैं, ये एक लिबरल पर्सपेक्टिव से थी, ठीक है। और फिर उस टाइम पे 60-70s में इक्वल राइट्स अमेंडमेंट आएगी, जो कि कोशिश ये करेगी कि ऐसे अमेंडमेंट हो जाए कि दोनों की इक्वल राइट्स हो, मेल फीमेल की। ये हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखिए मेजर आइडियाज क्या हैं लिबरल फेमिनिज्म के। देखिए लिबरल फेमिनिज्म जो है वो लिबरलिज्म से निकलता है, इसलिए वो काफी सारी चीजें जो हैं वो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर और लिबरल उसको मानता है। There exists gender inequality which can be ended when women get the same rights as men through legal, political, educational and other reforms within the existing system. Liberal feminism ये कहता है कि वो system को change करने की बात करता है, वो कहते हैं कि inequality exist करती है और हम जो typical liberal tools होते हैं ना कि हम political equality करें, educational equality करें, economic equality करें, reforms within the system करके, जैसे कि right to vote था, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, वो दे के हम इक्वालिटी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक और आइडिया है इंडिविजुअलिज्म का। इंडिविजुअलिज्म का क्या है, ये वो जो कि लिबरल पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक औरत जो है वो खुद ये एक्शंस ले सकती है और वो अपने आप को जो है बेहतर तरीके से कर सकती है, तो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस को एक्सपैंड करना, उसकी जो है डिफरेंट उसको अपॉर्चुनिटीज देना, उसके थ्रू जो है हम पूरी इक्वालिटी जो है अचीव करें। फिर एक चीज कि विमेन और मेन की नेचर सेम है, वो कोई ज्यादा जो है इनमें इतना फर्क नहीं करते। लिबरल फेमिनिज्म मोस्टली जो आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट लेवल, पॉलिटिकल लेवल, इन चीजों पर फोकस करते हैं, वो जो सेक्स जेंडर डिवाइड और वो चीजें इनको जो है इतना बॉदर नहीं उस पर करती, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। औरतें और मर्द एक ही जैसे होते हैं, एक ये इनका मेन आर्गूमेंट है कि औरतें और मर्द उनकी एक ही तरह की कैपेसिटी होती है, एक ही तरह की उनकी सोच होती है, एक ही तरह की फिजिकल फीचर्स हैं, दिमाग की कैपेसिटी है, तो वो भी वही काम कर सकती हैं जो मर्द कर सकते हैं। अगर वो लीडर्स हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं, ठीक है। सेक्सिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, क्योंकि लिबरलिज्म के परस्पेक्टिव से है, वो थोड़ा प्रोग्रेस और ट्रेडिशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट करता है, तो ये इस तरह से भी इसको देखते हैं कि सेक्सिज्म या मिसोजिनी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल वैल्यूज की वजह से हो। फिर एक्सेस टू पब्लिक स्पेस, एक इनका ये मेन आइडिया होता है कि औरतों को जो है पब्लिक स्पेस में एंटर किया जाए। पब्लिक स्पेस में मुराद होता है पब्लिक जॉब, गवर्नमेंट, ये वाली सारी चीजें, और जो प्राइवेट स्फीयर तक महदूद किया हुआ है उससे निकाला जाए। फिर सबसे बुनियादी चीज, इक्वालिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी। लिबरल फेमिनिज्म होल्ड्स दैट ग्रेटर जेंडर इक्वालिटी कैन बी अचीव थ्रू प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी इन ऑल स्पेस ऑफ लाइफ। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हों, इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हों, ये सारा कुछ जो है इक्वालिटी में आ जाता है। देन फ्रीडम ऑफ चॉइस है, हर किसी के पास अपनी फ्रीडम होनी चाहिए। अभी आपको ये बड़ा एम्बिगुअस लग रहा होगा लिबरल फेमिनिज्म, ये आपको समझ आ जाएगा जब हम रेडिकल पे जाएंगे, फिर आपको एकदम क्लिक करेगा, अच्छा उस बेचारे में क्यों इतना सादा था, ठीक है। अच्छा ये जो है दिस इज कंसिस्टेंट विद अमेरिकन डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, मोस्टली ये उसी फ्रेमवर्क में काम करते हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है तो उसी में औरतों को बेहतर हकूक दिए जाएं, ये आपने समझना है। इसको बुनियादी चीज ये समझनी है, क्योंकि लिबरलिज्म से निकलता है तो वो इस पर फोकस करता है कि जो औरतों के हकूक हैं वो उनको दिए जाएं, सिस्टम वही रहे बस उसमें बेहतरी आ जाए उनकी, ये बुनियादी जो है ना इनका मेन आइडिया है। This is reformist in nature than revolutionary. Reform पे बात करते हैं बहुत, revolution पे बात नहीं करते, affirmative action पे बात करते हैं। Affirmative action क्या होता है, quota system या कोई ऐसी चीज़ें जो औरतों को ज़्यादा जो है वो provide करें, वोट राइट में voting rights मिलें, different किस्म की legislation के थ्रू। Major goals क्या इनके, अगर आपने समझना है कि economic equality, legal equality, political equality, affirmative action हो, तमाम इंसान बराबर हैं तो उनके मुआशरे में जगह भी बराबर हो। क्रिटिसिज्म इसके क्या आते हैं ये लिबरल फेमिनिज्म के, एक तो क्लासिस्ट और रेसिस्ट कहते हैं कि क्लासिस्ट और रेसिस्ट किस तरह से है कि इसमें बहुत से लिबरलिज्म वाली जो औरतें हैं वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि क्योंकि वो पिछला जो सिस्टम है, ठीक है, उसको प्रमोट कर, असल में ये जो क्रिटिसिज्म है ना, एक तो ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से आता है, दूसरी चीज इसमें आता है इंटरसेक्शनैलिटी के पर्सपेक्टिव से, वो इस तरह आता है कि ये उन्हीं आइडियाज को प्रमोट करते हैं जो कि आप कह सकते हैं कि वाइट फीमेल, ठीक है, और बेहतर जो एक जगह पे रहते हैं जो कि ऑलरेडी इकोनॉमिकली बेहतर है, उस पर्सपेक्टिव से इनका एक आता है, ठीक है, आपने एक जहन में रखिएगा। वो जब इंटरसेक्शनैलिटी आएगी तो मैं आपको समझाऊंगा,
क्योंकि मोस्टली इसमें वाइट वुमेन इन्वॉल्व थी, तो ये एक इस तरह का इसका क्रिटिसिज्म होता है कि ये उन्हीं को जो है ना सूट करता है। फिर इस पर एक क्रिटिसिज्म आता है कि ये हेट्रोसेक्सिस्ट है, ये लोग जो है इतना उससे डिविएट नहीं करते, हेट्रोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करते हैं। जो बाद में एक्सट्रीम किस्म के फेमिनिस्ट आएंगे जो रेडिकल लेस्बियन फेमिनिस्ट हैं, वो कहेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, वो एक क्रिटिसिज्म है। फिर इसमें एक ये भी क्रिटिसिज्म आता है कि जो ये कहते हैं कि औरतों को पब्लिक स्फीयर में एंटर करें, तो कहते हैं उसमें तो औरतों को पब्लिक भी करना पड़ेगा काम और प्राइवेट भी करना पड़ेगा, तो डबल डबल एक ड्यूअल बर्डन क्रिएट हो जाएगा। फिर इसमें एक क्रिटिसिज्म आता है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं और वो ये सिस्टम को चेंज करने की बात नहीं करते हैं। कंजर्वेटिव है अपनी नेचर में, काफ़ी सारी चीज़ों को ऑलरेडी एक्सेप्ट करता है। नो एनालिसिस ऑफ क्लास एंड सेक्सुअलिटी, कोई सेक्स जेंडर डिवाइड नहीं, कोई उस नहीं, बस पॉलिटिकल राइट्स मिल जाएं और लॉज पास हो जाएं, इस किस्म की चीज़ें, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ मेल वैल्यूज एज यूनिवर्सल वैल्यू, एक ये भी इस पर क्रिटिसिज्म आता है कि जो ऑलरेडी मेल वैल्यूज हैं जिसके ऊपर सोसाइटी खड़ी हुई है उसको एक्सेप्ट करके कह रहे हैं कि उसमें हमें इक्वल शेयर दे दें तो हम हैप्पी हैं। बाद में जो रेडिकल वाले हैं वो तो कहेंगे सारा ही चेंज कर दो ना, वो तो पूरा सिस्टम ही गलत है। इंडिविजुअलिज्म पे चूंकि फोकस करते हैं तो रेडिकल फेमिनिस्ट कहते हैं कि कलेक्टिविज्म पे फोकस नहीं करते, सारी औरतों को एज इकट्ठा अपने आप को एज ए क्लास देखना चाहिए। तो इस किस्म के इन पे क्रिटिसिज्म आते हैं दूसरी फेमिनिस्ट। इसमें किस किस्म के इनके मेजर प्रोपोनेंट्स कौन हैं, जेएस मिल और ये सारे नाम लिख लें, ठीक है, एलिजाबेथ कैंडी स्टैंटन, बेटी फ्रीडन, ये सारे वो हैं जो कि लिबरल फ्रेमवर्क में अपने जो है उन राइट्स की बात करते हैं। लिबरल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर विमेन नाउ, ठीक है, ये लिबरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि ये टिपिकल एक जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क होता है उसमें रह के इक्वालिटी की बात करते हैं। इसके मुकाबले में हम देखते हैं रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म थोड़ा एक्सट्रीम किस्म का फेमिनिज्म है। रेडिकल फेमिनिज्म इज अ पर्सपेक्टिव विद इन फेमिनिज्म दैट कॉल्स फॉर अ रेडिकल रीऑर्डरिंग ऑफ सोसाइटी इन विच मेल सुप्रीमेसी इज एलिमिनेटेड इन ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। कंप्लीट मेल सुप्रीमेसी पूरे माशरे को तब्दील कर दें, सिस्टम अपसाइड डाउन कर दें, रेवोल्यूशनरी फेमिनिज्म भी इसे आप कह सकते हैं, रेडिकल फेमिनिज्म, ठीक है। वो तमाम लिबरलिज्म और इन चीज़ों को जो है वो रिजेक्ट करके कहते हैं कंप्लीट जो है ना बिल्कुल डिफरेंट हमने अपनी फिलॉसफी बिल्ड करनी है। रेडिकल फेमिनिस्ट जो हैं वो सेक्स जेंडर सिस्टम पे बिलीव करते हैं। टॉम डिफाइंस अ रेडिकल फेमिनिस्ट एज द वन हु इंसिस्ट दिस सेक्स जेंडर सिस्टम इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ वुमेन्स ऑप्रेशन, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये जो जेंडर्ड रोल्स होती हैं जो हमने जिस तरह देखे थे, ये सबसे बड़ा जो है मसला है। इसमें हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अगर देखें, सिमोन बुवा की सेकंड सेक्स बुक, वही जो हमने पहले सारा सेक्स जेंडर डिवाइड वाला टाइमलाइन देखना है उसमें ये सारा आ जाएगा। फिर मिस अमेरिका का प्रोटेस्ट है 1968 का, वो इसकी डेवलपमेंट होती है। और दूसरी चीज आपने ध्यान में रखनी है वेव्स के साथ, फर्स्ट वेव वो हम बाद में देखेंगे, फर्स्ट वेव फेमिनिज्म वॉज लिबरल, ठीक है। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म वॉज लिबरल फेमिनिज्म, उसके बाद सेकेंड वेव फेमिनिज्म इज रेडिकल फेमिनिज्म, ठीक है। तो ये इनका स्थान बाद में ये नहीं कि खत्म हो गई है, लिबरल्स भी हैं सेकेंड वेव में, लेकिन सेकेंड वेव में लिबरल्स भी हैं और रेडिकल भी हैं, लेकिन रेडिकल आया सेकेंड वेव में है। अच्छा, मेजर आइडियाज और आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं? ये लिबरलिज्म सोशलिज्म दूसरे जो फेमिनिज्म है उससे थोड़ा अपने आप को फर्क लेके चलते हैं। फिर एक आइडिया, मेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, और ये देखिए माई बॉडी माई चॉइस, ये रेडिकल फेमिनिज्म के ही पर्सपेक्टिव से एक है। फिर ये पेट्रियार्की का कॉन्सेप्ट देते हैं, ये जो पेट्रियार्की का कॉन्सेप्ट था ये क्या है कि देयर इज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी और वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है उसमें औरतों को सब्जुकेट किया जाता है और औरतें जो है ऑप्रेस करती हैं। और वो कैसे ऑप्रेस करती हैं औरतों को, बाय लिंकिंग सेक्स टू जेंडर। इसका क्या मतलब है, ये मैकेनिज्म्स हैं पेट्रियार्की के जिसके थ्रू औरतों को सब्जुकेटेड रखा जाता है। फेमिनिटी डिफाइन करके लिंकिंग सेक्स टू जेंडर का मतलब ये कि जेंडर और सेक्स को लिंक करके, कि जेंडर डिफाइन कर दिया कि औरतें जो हैं वो ये होती हैं, वो घरों पर रहती हैं, और चूंकि आप औरत हैं आपने सेक्स को जेंडर से लिंक किया ना कि आपकी बायोलॉजी औरत है, औरतें घर पे रहती हैं तो आप घर पे रहें। इस तरह मेल डोमिनेटेड एक सोसाइटी क्रिएट होती है।
जिसमें जेंडर रोल्स ऐसे डिफाइन किए जाते हैं कि वो कभी आगे बढ़ ही ना सके. ये सिस्टम ऑफ पेट्रियार्की है. ओके, पेट्रियार्की लिंक्स सेक्स टू जेंडर. जो सेक्स जेंडर वाला पूरा एक फिनोमेना है ना, कि आपकी बायोलॉजी के साथ ही आपका जेंडर वाला आइडिया भी जुड़ा हुआ है, ये पेट्रियार्की का एसेंशियल ट्रिक है जिसके थ्रू वो लोगों को कंट्रोल करता है. तो ये जो हमने सेक्स जेंडर डिवाइड देखा है, ये रेडिकल फेमिनिज्म जो है इस पे पूरा अपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क करते हैं. पेट्रियार्की डिफाइंस जेंडर सोशली एंड क्रिएट्स एन इल्यूजन दैट फीमेल सेक्स हैज दोस कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब हम जो ये बात करते हैं कि औरतें जो हैं वो किचन में काम करना चाहिए, ये आइडिया हमें ऐसा लगता है कि औरत के साथ कुछ जुड़ा हुआ है उसकी, हालांकि उसकी बायोलॉजी से ये कैसे डिफाइन हो रहा है, उसकी बायोलॉजी से तो इस तालुक कोई नहीं इस चीज का, ये तो टोटली सोशल कंस्ट्रक्ट. लेकिन पेट्रियार्की का जो निजाम है जो सोशल, उसमें यही लगता है कि जैसे यही है, यही हकीकत है. तो ये बेसिकली इस तरह औरतों को ऑप्रेस रखा जाता है. तो जो जेंडर रोल सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं उसी से फिर डिवियंस डिफाइन होगी, और जब डिवियंस डिफाइन होगी उससे सोशल कंट्रोल क्रिएट होगा. ये बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म को जो है वो भी चैलेंज करते हैं. ये देख लें हम जो फेमिनिटी, उसके बाद के फीमेल ट्रेड्स प्लस फीमेल बायोलॉजी इज इक्वल टू वुमेन जेंडर, ठीक है ना. ये जो क्रिएट किया जाता है कि आपके जहन में ओवरऑल फीमेल जो एक इमेज आता है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, ये वो दिखाया पड़ता है. चैलेंज टू बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म. बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म क्या होता है कि आपकी बायोलॉजी डिटर्मिन करेगी कि आपकी सोशल स्टैंडिंग क्या होगी, आपकी सोशल जो है आपने करना क्या है, वो बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म है. उसको ये रिजेक्ट करते हैं. फिर जेंडर सोशलाइजेशन और जेंडर, ये चीजें हम जो पहले पीछे पढ़ चुके हैं वो आप सेकेंड वेव फेमिनिज्म के एम्बिट में समझ लें, क्योंकि वो इसमें आएंगे. जेंडर सोशलाइजेशन, जेंडर रोल्स के फैमिली, ये सारे जेंडर रोल्स, सेक्स जेंडर डिवाइड, ये चीजें फैमिली के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं. फिर जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी एंड पावर. जेंडर डिवीजन लेबर क्या होती है कि माशरे में डिफरेंट किस्म के काम जो हैं वो औरतों से एसोसिएट किए जाते हैं, फिर उनको वो कराए जाते हैं. इस तरह जो है वो एक पूरे के पूरा उनको सब्जुकेटेड रखा जाता है, जैसे नर्स होंगी वो या सेक्रेटरीज होंगी, इस किस्म के डिमीनिंग किस्म के जॉब्स उनको दिए जाते हैं कि बस आप लड़की हैं आप तो यही कर सकती हैं, आप रिसेप्शन पे बैठ जाएं, या इस किस्म की जो जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर और पावर है कि मर्दों का काम है पॉलिटिक्स में आना, औरतों का काम नहीं है. ये पेट्रियार्की ये भी कर रही होती है. तो पेट्रियार्की सेक्स जेंडर डिवाइड ये सारी थ्योरी इनकी है. पेट्रियार्की कन्फाइंस वुमेन टू प्राइवेट स्फीयर. पेट्रियार्की औरतों को घर तक रखती है और पब्लिक स्फीयर से दूर रखती है, ठीक है. सेक्स एंड पावर द पर्सनल इज पॉलिटिकल. इसमें ये भी आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट आता है सेकंड वेव फेमिनिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म में कि पर्सनल इज पॉलिटिकल. आप उसको फर्क नहीं कर सकते कि बात ये कि जो आपका हमारे जो पर्सनल रेम है उसी के साथ पॉलिटिकल भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि सेक्सुअलिटी इज अ मींस ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल बाय मेन. दैट इज व्हाई माय पर्सनल इज द पॉलिटिकल. आप उसको उसी के थ्रू कंट्रोल करते हैं. और क्या कॉन्सेप्ट है इनके. वुमेन आर यूनिवर्सली ऑप्रेस्ड. औरतें ओवरऑल दुनिया में ऑप्रेस्ड हैं, इसलिए एक सिस्टरहुड एग्जिस्ट करता है. कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टरहुड है, एक उनकी आपस में आपस में कलेक्टिविटी है. लिबरेशन की बात करती हैं, रिफॉर्म की बात नहीं करती. जैसे लिबरल वाले रिफॉर्म विद इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, ये लिबरेशन की बात करते प्रॉपर, जैसे आप कॉम्युनिस्ट रिवोल्यूशन या लिबरेशन कंसीव करते हैं उस परस्पेक्टिव में. फिर इन्होंने एक आइडिया क्रिएट किया कॉन्शियसनेस रेजिंग का. कॉन्शियसनेस रेजिंग एक फॉर्म ऑफ एक्टिविज्म है. ये क्या है कि औरतों को जिनको अभी आइडिया नहीं है कि वो ऑप्रेस्ड हैं, उनकी कॉन्शियसनेस इतनी अभी डेवलप नहीं है, तो वो बैठ के इसको भी ये किया जाता था. इसकी आप यूट्यूब पे एक दो वीडियोस देखिएगा, कॉन्शियसनेस रेजिंग, वो बैठ के एक दूसरे से डिस्कशंस करी हैं, तो वो भी किया जाता था. एंटी ऑब्जेक्टिफिकेशन, ये जो ऑब्जेक्टिफिकेशन वाला पूरा एक आइडिया आया वो इस टाइम पे आया. इस टाइम पे मिस अमेरिका होता है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट ये करती हैं. मिस अमेरिका प्रोटेस्ट है 1968 का, और ये कहते हैं कि औरतों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है. ऑब्जेक्टिफिकेशन क्या कि उसका कोई मकसद नहीं है, कि उसकी अपनी कोई फीलिंग नहीं है, बस मर्द को जिस तरह प्लीज करती है औरत उस तरह से मर्द उसे यूज कर देता है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को यूज कर देता है. ये ऑब्जेक्टिफिकेशन है. वुमेन आर नॉट मेरली सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स दैट एग्जिस्ट फॉर द प्लेजर ऑफ मेन, ठीक है. तो ये ऑब्जेक्टिफिकेशन है, औरतों को जब डिफरेंट कपड़ों में दिखाया जाता है टीवी में या किसी भी, उसमें ये ऑब्जेक्टिफिकेशन है, क्योंकि आप इस चीज को सोच ही नहीं रहे कि उस लड़की की भी अपनी कोई फीलिंग है, वो सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करी है ताकि मर्द जो है उससे प्लेजर ले सके. ये एंटी ऑब्जेक्टिफिकेशन है. फिर प्रोस्टिट्यूशन के बहुत खिलाफ थे, कि प्रोस्टिट्यूशन जो है ये मर्द कराते हैं, लड़कियां अपने शौक से नहीं करती, और डिफरेंट किस्म की उनकी मजबूरियां होती हैं, और ये पेट्रियार्की सिस्टम जो है इस सारी चीज़ को लेके चलता है. इसीलिए पोर्नोग्राफी के भी खिलाफ थे, और पोर्नोग्राफी जो है वो भी एक मींस ऑफ सोशल कंट्रोल है, और इस तरह जो है
औरतें आप कह सकते हो उनको सब्जुकेटेड रखा जाता है। तो इसमें क्या हमें पावर रिलेशन नजर आता है और सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से ये सबसे एक रेलेवेंट है। फिर इनके पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कैसे आप इसको ठीक करें, इसमें दो तीन तरह के अप्रोचेज, एक तो मॉडरेट अप्रोच होगी जो थोड़ी थ्योरेटिकल होगी, डीलिंग सेक्स एंड जेंडर, जेंडर को अलग देखा जाए, सेक्स को अलग देखा जाए, जेंडरलेस सोसाइटी हो जिसमें जेंडर नॉर्म्स इस तरह से डिवाइडेड ना हो, मेल बायस को डोमिनेट खत्म करें, ठीक है। एक्सट्रीम अप्रोच क्या होती है, एक्सट्रीम अप्रोच में ये है कि कंप्लीट आप सोसाइटी को रिफॉर्म कर दें और बहुत मतलब आपको ओवरथ्रो ऑफ सोसाइटी नजर आता है। फिर एक होता है रेडिकल लेस्बियन फेमिनिज्म। रेडिकल लेस्बियन फेमिनिज्म क्या चीज है, वो कहते हैं कि हम लेस्बियन अगर होंगे और हमारी सेक्सुअलिटी भी आपस में एक दूसरे की तरफ होगी, ये भी एक एक्ट ऑफ एक्टिविज्म है और हमें एक्चुअली लेस्बियन ही होना चाहिए, इनफैक्ट मर्दों को बिल्कुल रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो ये भी एक्सट्रीम किस्म का जो है ना वो करते हैं। इसलिए देखें जूली मेंडल हैज रिटन दैट हर लेस्बियनिज्म इज इंट्रिंसिकली बाउंड अप विद हर फेमिनिज्म। वो कहते हैं कि हेटरोसेक्सुअलिटी जो है वो भी ऑप्रेसिव है, मर्दों की जो एक उसके लिए एग्जिस्ट करते हैं हम उसको भी रिजेक्ट करके लेस्बियन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक स्टेप है। तो ये डिफरेंट किस्म के आपको इनके जो हैं वो नजर आते हैं। क्रिटिसिज्म्स इनके क्या हैं, ये भी क्लास और एथनिसिटी को थोड़ा इग्नोर करते हैं, वो इंटरसेक्शनैलिटी में आता है और कई, एक तो आपको इसमें एक्सट्रीम नजर आती हैं चीजें, ठीक है, इंटरसेक्शनैलिटी नजर नहीं आती, स्ट्रक्चरल ऑप्रेशन को इतना ये जो है नहीं करते एड्रेस, ठीक है। वैसे स्ट्रक्चरल इन द सेंस लॉज एंड रूल्स को कहते हैं, मेरे ख्याल से तो स्ट्रक्चर को करते हैं, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने उस तरह से लिखा है, स्ट्रक्चरल ऑप्रेशन को ही बुनियादी तौर पे करते हैं, ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिखा होगा, मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट भूल गया, ठीक है, ये चीज जहन में रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज इसके प्रोपोनेंट्स देख लें, सिमिलरली वो है जो जितने हमने जो मेजर हैवी किस्म की फेमिनिस्ट है ना वो सेकेंड वेव और साथ ही इसमें आ जाएंगे, रेडिकल आ जाएगी। सिमन डी ब्यूवा लिख लें, शुलम मिथ फायरस्टोन है, डायलेक्टिक ऑफ सेक्स है, केट मिलेट सेक्सुअल पॉलिटिक्स है, ये सारे के सारे आपको इसमें नजर आती हैं। इनके ग्रुप्स कुछ देख लें, रेड स्टॉकिंग, न्यूयॉर्क रेडिकल वुमेन, लेकिन ये बहुत रेडिकल अप्रोच है इन शॉर्ट जो आपको नजर आती है। जी, ये दो समझ आए हैं, अभी के लिए हम इतना ही करेंगे क्योंकि अगला टॉपिक इससे आगे निकल जाएगा, मार्क्सिस्ट वाला। जी, यहां तक क्लियर हो गया? तो अब देखें लिबरल फेमिनिज्म जो है, लिबरल फेमिनिज्म बात करता है, लिबरल फेमिनिज्म बड़ा ही उसी एम्बिट में रह के बात करता है। लिबरल फेमिनिज्म कहता है कि जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर जो चीजें हैं उसको ही आप चेंज कर लें तो वो काम चल जाएगा, पॉलिटिकल राइट्स दे दें, लेजिस्लेशन कर लें। रेडिकल फेमिनिज्म कहते हैं रीऑर्डरिंग ऑफ द सोसाइटी, कंप्लीट आप पेट्रियार्की को ओवरथ्रो करें, ये जो पूरा निजाम है उसको जो है आप ओवरथ्रो करें। तो ये दोनों में बुनियादी फर्क है। लिबरल फेमिनिज्म सबसे पुराना है, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वही लिबरल फेमिनिज्म है, बाद में भी लिबरल फेमिनिस्ट हैं जो इतनी एक्सट्रीम नहीं है, वो कहते हैं कि जो लिबरल आइडियाज हैं इक्वालिटी फ्रीडम और जो लिबरल वैल्यूज होती हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, इक्वालिटी है, लिबरल है, डेमोक्रेसी है, इकोनॉमिक राइट्स हैं, ये सारे लिबरल वैल्यूज, उन वैल्यूज के ऊपर बेस करके वो कहते हैं कि जैसे जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा है कि ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, उसी तरह औरतों को भी इक्वल राइट्स देते हैं। लेकिन रेडिकल तो बिल्कुल ही जो है ना रेडिकल अप्रोच। जी, क्वेश्चन किसी ने हैंड रेज किया था, पूछे? जी, क्वेश्चन पूछे। क्रैमिंग, क्रैमिंग ही है, जाहिर है। जी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए दो तरह के अप्रोचेस हैं, जो रेडिकल फेमिनिज्म है ना वो कंप्लीटली रिजेक्ट करता है, ठीक है, सोसाइटी को जो कि एग्जिस्ट कर रही होती है, जो कि पेट्रियार्की है उसको कंप्लीटली रिजेक्ट करता है, ठीक है। इस सेंस में एक सेकंड में आपको बताता हूं,
ये इनकी जो पूरी थ्योरी है, ये जो हमने शुरू में सेक्स जेंडर डिवाइड और वो सारा कुछ पढ़ा है ना, वो सारा रेडिकल फेमिनिज्म से निकला है। रेडिकल फेमिनिज्म पूरे माशरे के निजाम को पहले तो कहता है कि ये पेट्रियार्की है, उसको नाम देता है कि पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती है। पेट्रियार्की क्या चीज है कि जो आपकी सोसाइटी है, जो आपका सोशल सिस्टम है, वो बेसिकली एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसको वो पेट्रियार्की है। अब वो कहते हैं कि औरतें इस सिस्टम में ऑप्रेस्ड हैं, औरतें सब्जुकेटेड हैं और मेन जो हैं वो बेसिकली डोमिनेट करते हैं, ये पेट्रियार्की है। ये सारी सोसाइटीज जो हैं पेट्रियार्की, जो सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं वो पेट्रियार्की, उस पूरे सोशल सिस्टम को हमने ओवरथ्रो करना है, ये बेसिकली उनकी एक बुनियादी चीज है। ठीक है, ये बेसिक समझ आ रहा है आप लोगों को, ये इसका मेन जो क्रक्स है वो ये है जी। एक मिनट अकरम, जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसमें सर मेरे कुछ क्वेश्चंस है, इसमें एक तो ये है कि सर पहले इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी करना है, इक्वालिटी को रखना है, इक्विटी को रखना है, क्योंकि इसमें दोनों के जो सेक्स के जो रोल्स हैं वो सर डिफरेंट हैं, तो इसको इनको इक्विटी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए वीमेन को, सर इसमें एक तो ये क्लियरिटी चाहिए सर। दूसरा ये है कि हमने एक्सप्लेनेशन किसके थ्रू करनी है, थ्योरीज के थ्रू, या हमने इसको अपना जो एक मजहब है, हर किसी का अपना मजहब हो सकता है, तो उसके पर्सपेक्टिव से लेके आना है। इस तरह इस्लाम में कहता है कि औरत का एक अपना एक रोल है कि वो घर में बैठे और जो नान नफका है वो मर्द के उसमें आता है, तो एक ये है। दूसरा ये है कि सर इस्लाम एक और जो होमोसेक्सुअल और लेस्बियन गे इसके भी एंटी बात करता है सर, तो इस सारी की ये डायरेक्शन कौन सी रखनी है सर, हमें ये अपने माइंड को किस तरह लेके चलना है सर। जी मैं बता देता हूँ। अच्छा देखिए अक्रम, इसमें पहली चीज ये है कि क्वालिटी और इक्विटी इतनी उसमें ना आप पढ़े इतनी सटल चीजों में, ठीक है। दूसरी चीज ये कि बस इक्वालिटी है कि इक्वल जो मर्दों को दिया जा रहा है वो औरतों को भी दिया जाए, ठीक है, एक ये चीज है आप समझ लें। दूसरी चीज ये है कि आप इतना कॉम्प्लिकेट ना करें कि रिलीजन और उसको, वो ठीक है, वो हमारा रिलीजन जो कहता है वो बिल्कुल ठीक कहता है और हम उसमें बिलीव भी करते हैं, लेकिन चूंकि अभी आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट की डिमांड है, जिस पर्सपेक्टिव से वो पूछते हैं, बस आप वो लिखते हैं, ठीक है, और उसको जो है आप उस एंगल से बता दें, तो वो कोई इतना इशू नहीं होगा। आप इसमें अगर वो जो हमने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनालिसिस देखी है ना, पेट्रियार्की और इस किस्म की, उन चीजों से करें, जो वो पूछ रहे हैं उसी पर्सपेक्टिव से करें, अपना उसमें कोई नया ऐड आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा चलें, अच्छा मुझे बताएं कि आप लोगों को यहां तक समझ आया। जी बिल्कुल, उसको एक आप ऐसे समझें कि आइसोलेशन में एक सब्जेक्ट आप डील कर रहे हैं, उसको उससे मिक्स ना करें।